दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव textbook.com पे स्वागत करता है, जहां पे आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का स्टैटिक जीके करेंगे। और ये स्टैटिक जीके ना ही सिर्फ सीबीटी 2, यहां पर सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अब जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो फटाफट से सभी लोग एक बार यहाँ पर शेयर कर देंगे और कह देंगे कि अब युद्ध स्टार्ट होने वाली है स्टैटिक जीके की। किसकी होने वाली दोस्तों? स्टैटिक जीके की स्टार्ट होने वाली है अब युद्ध, ठीक है। तो फटाफट से एक बार आ जाएंगे सभी लोग को गुड आफ्टरनून। हाँ जी, विष्णु, छाया, सबको गुड आफ्टरनून। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। और मोटिवेशनल कोट आज का क्या है दोस्तों? आज का मोटिवेशनल कोट है, टालने वाले नहीं कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो टाला है वो तो बिल्कुल अलग हो गया है, जिसने कुछ करना है वो करके दिखा गया है। सिर्फ वही जीतता है जो अंत तक खड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर युद्ध में हम शुरू से अंत तक लड़ेंगे, क्योंकि ये 2 घंटे की क्लास होने वाली है, 2 आवर्स की, मतलब 2 से 4 बजे तक चलेगी। भैया यहाँ पे पानी का बॉटल लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि गर्मी हो गई है। ऐसा ना हो कि स्टैटिक जीके क्वेश्चन करते करते हम डिहाइड्रेट हो जाए, ठीक है। तो सबको पानी लेके बैठना है। हाँ जी, जूही, प्रिया, सबको यहाँ पे गुड आफ्टरनून। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और देना होगा सबको सही प्रश्न का जवाब यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये देखिए स्टैटिक जीके तो भैया हर जगह आती है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एसएससी, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके आपसे पूछा ही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लेकिन उससे पहले देख लेते भैया, टेक्स्ट बुक लेकर आया है डील ऑफ द मंथ, जहां पर आपको 399 में मिल रहा है 12 महीने का पास। कितने महीने का? 12 महीने का। और यहाँ पे 510 से भी ज्यादा एग्जाम कवर है, 38,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप दुगनी तेजी, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा लोगे, ठीक है। यहाँ पे पास को बाय करते वक्त आप कोड यूज कर सकते हो, जो कि मेरा कोड है गेम पास, GAMPASS। इस कोड को यूज करते ही आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग पासेस लिंक्स लहासा विथ लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? लनाकला, बुरजेल, बाबासोर और खैबर। आपको बताना है कौन सा जोड़ता है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से देंगे यहां पे हाँ जी, फटाफट से आंसर देंगे। रॉकर्स कह रहे हैं सर ए ऑप्शन होना चाहिए, लनाकला बोल रहे हैं, बाकी लोग को क्या कहना है? जल्दी जल्दी से, हाँ जी अभी सही आना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा ऑप्शन नंबर 1? देखिए बुरजेल किससे करेक्ट होता है? गिलगिट से, ठीक है। गिलगिट से याद रखेंगे, किससे? गिलगिट से पख्तुनवा, ठीक है, याद रखेंगे गिलगिट से पख्तुनवा। बाबासुर गिलगिट से श्रीनगर, किससे? गिलगिट से श्रीनगर, किससे दोस्तों? गिलगिट से श्रीनगर। और खैबर किससे होता है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, खैबर किससे होता है, फटाफट से आंसर बताना है। खैबर जो है वो किसको कनेक्ट करता है? जल्दी से, हाँ जी ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे सभी लोग के। निशान, छाया, बप्पी, पियानो, ओके पियानो भी यहां पर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं, पाक बोल रहे हैं, पाक नहीं। यहाँ पे कनेक्ट किसको करता है? काबुल को पेशावर से। किसको कनेक्ट करता है दोस्तों? ये काबुल को कनेक्ट करता है पेशावर से। किससे करता है? काबुल को पेशावर से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की क्या करेंसी है? चीन की मुद्रा क्या है? वोन, येन, रिमिंबी या लीरा? जल्दी से बताएंगे, या लायरा, फटाफट से। इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज्यादा समय आएगा लगना नहीं चाहिए। जल्दी से, हाँ जी आना स्टार्ट हो गया सर। चाइना 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 चाइना, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा रेनमिंबी, जो होगा चाइना का होगा, ठीक है। और यहाँ पर येन दिया हुआ, तो येन किसका है दोस्तों? जापान का है। किसका है? जापान का है। और लायरा किसका है दोस्तों? टर्की का। किसका? टर्की का। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कैपिटल और करेंसीज, उसको करके ही जाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग फटाफट से एक बार क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और
जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हिमांशु नमस्ते, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोपुरम स्टाइल टेम्पल इज इन विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, गोपुरम शैली का मंदिर किस प्रकार का वास्तुकला है, नागरा टेम्पल, सेंट्रल इंडिया, द्रविडियन या नन ऑफ द अबव, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी यहाँ पे सभी को सही सही बताना है। बता रहे सर द्रविडियन द्रविडियन द्रविडियन, तो भैया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा द्रविडियन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है द्रविडियन स्टाइल होता है टेम्पल का और दूसरा एक होता है नागरा, ठीक है। अब ये जो हमारा द्रविडियन स्टाइल मंदिर है कौन सा, गोपुरम स्टाइल, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। द्रविडियन की खासियत क्या है दोस्तों, ये फ्लोर वाइज होता है, ये हमने पहले भी देख लिया था, और जो नागरा है उसमें डोम्ब जैसा होता है जिसके ऊपर फ्लैग लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज, निम्नलिखित में से कौन विंध्या श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, कलुमार पीक, महेंद्र गिरी, पचमढ़ी या गुरु शिखर, जल्दी से बताएंगे दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को टिक लगाने हैं। गुरु शिखर, गुरु शिखर नहीं होगा दोस्त, गुरु शिखर कैसे होगा, गलत 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 गलत। गुरु शिखर भाई यहाँ पे विंध्या रेंज पूछ रहा है, आप गुरु शिखर क्यों बोल रहे हो। वेरी गुड, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, भाई किसी का भी नहीं सही आ रहा है, सांप बिठा दूंगा मैं यहाँ पे, है ना, अब बच के चलना है। ए ऑप्शन, वेरी गुड प्रसन्न जीत, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, कालूमार पीक। अब आप कहोगे सर आपने तो कालूमार पढ़ाया ही नहीं था, आपने तो सद्भावना पढ़ाया था, तो भैया कालूमार को ही कहा जाता है सद्भावना, क्या बोलते दोस्तों, सद्भावना, ठीक है, याद रखिएगा। ये किसका है, विंध्या रेंज का है। आप गुरु शिखर क्यों बोल रहे हो दोस्तों, गुरु शिखर तो अरावली रेंज का है, किसका है, अरावली रेंज का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और महेंद्र गिरी किसका है, ईस्टर्न घाट का है, किसका है दोस्तों, ईस्टर्न घाट का है, ठीक है। अगर आपसे सतपुड़ा का पूछ लेता दोस्तों, सतपुड़ा का, तो आप क्या बोलते, धूपगढ़, क्या बोलते, धूपगढ़, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट का क्या है दोस्तों, अन्नावलाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन मेघालय, निम्नलिखित में से कौन सी झील मेघालय में स्थित है, सस्थम कोटा लेक, उमियाम लेक, भोजताल लेक या तमदिल लेक, जल्दी से बताएंगे भैया कि मेघालय में इनमें से कौन सा लेक है। जल्दी से आंसर करना है। यहां पे कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, तो भैया अभी तक तो करेक्ट नहीं आया है। हाँ जी अभी सही आने लगा है, अभी सही आ रहा है, बी बी ऑप्शन कई लोग जा रहे हैं, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, उमियाम लेक जो है वो कहाँ पर है, वो मेघालय में है, ठीक है। और सस्थम कोटा, सस्थम कोटा कहाँ पे दोस्तों, केरला में है, कहाँ पे, केरला में है। भोजताल लेक कहाँ पे दोस्तों, एमपी में है, कहाँ पर है, एमपी में है। और तमदिल लेक कहाँ पे है, ये है मिजोरम में, कहाँ पे है दोस्तों, ये है मिजोरम में, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे लेक, सारे डैम, सारे डांस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ एमपी में भोज लेक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज प्रेजेंट इन द नागालैंड, निम्नलिखित में से कौन सी झील नागालैंड में मौजूद है, संगेस्तर सो लेक, गुरुदोगमार लेक, शिलोई लेक या लोकटक लेक, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। अभी आंसर तो नहीं आया है लेकिन जल्दी जल्दी से आंसर करना है। हाँ अभी आना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल यहां पे एक जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां पे ये संगेस्टर कहां पर है, सिक्किम में है, कहां पे दोस्तों, सिक्किम में है, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड एट, हिमालयन की चोटी कंचनजंगा कहां अवस्थित है, कश्मीर में, नेपाल में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में,
यहाँ पे सिक्किम कह रहे हैं कैच द रेन, प्रसन्न जी सिक्किम बिल्कुल। यहाँ पे कंचनजंगा जिसको हम केटू के नाम से जानते हैं वो कहाँ पर है, सिक्किम में है। और कंचनजंगा को आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों इसको यूनेस्को का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। हिमालयन की बात की गई है तो हिमालयन के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, कितने कंट्री से होके गुजरती है भैया, 6 कंट्री से। कौन कौन सी थी, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि हिमालय की 3 पैरेलल रेंज होती है, कितनी पैरेलल रेंज होती है, 3 होती है, एक तो होती है ग्रेटर, ठीक है, दूसरी होती है लेसर और तीसरी होती है आउटर, ठीक है। ग्रेटर को हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। लेसर को क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, और आउटर को बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, शिवालिक बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। इसकी ब्रिथ विथ आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो विथ है 200 से 400 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, और हिमाचल में आपको पता है माउंट एवरेस्ट, भैया हिमालय में ही आता है तो माउंट एवरेस्ट का हाइट आपसे पूछ लेगा तो 8848.68 आ जाएगा मीटर, ठीक है। और इसी को सागर माथा कहते हैं, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भाखड़ा नांगल डैम इज इंडियाज लार्जेस्ट डैम हैविंग हाइट ऑफ। भाखड़ा नांगल डैम बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई डैश है 210 मीटर, 226 मीटर, 310 और 325। दो सौ छब्बीस छब्बीस आ रहा है यहाँ पे, ब्रोकर्स विष्णु कैच द रेन अंश, बहुत बढ़िया भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया 226। कौन सी रिवर पर है भाखड़ा नांगल, सतलज रिवर पे। कौन से दोस्तों, सतलज रिवर पर है। कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है, वाटर बॉडी से, लैंड ओनली से, लैंड एंड वाटर बॉडी से या आइलैंड से। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है भैया वो किससे होकर गुजरती है वो आपको बताना है। कैच द रेन कह रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, बाकी का क्या कहना है। कुछ लोग कह रहे सर जमीन और पानी दोनों से, तो भैया यहां पर मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी से होकर गुजरती है, किससे, वाटर ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सन ट्रांसवर्स ए 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी मिनट, सूर्य प्रत्येक डैश मिनट पर देशांतर की 1 डिग्री को पार करता है, तो बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन है 6, 8, 15, 4। भैया अगर आपको लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस पता है आसानी से आंसर कर देंगे इसको। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना होता है दोस्तों, 4 मिनट, कितना होता है दोस्तों, 4 मिनट, तो मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड सन की जो रेज है वो ट्रेवर्स कर जाएंगी, ये याद रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर नंबर 4। लैटिट्यूड पूछ लेता दोस्तों तो आपको 1 डिग्री लैटिट्यूड बताना है कितना, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इंडियन लोकेटेड, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, प्रयागराज, हैदराबाद या कोलकाता। हाँ जी, 111 किलोमीटर जो है वो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूड की है 4 मिनट, ठीक है, और सन की रेस को आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं पृथ्वी पर। जल्दी बताएंगे, हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद, तो भैया बिल्कुल हैदराबाद करेक्ट आंसर है। हैदराबाद किसकी कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, पपेती इज द फेस्टिवल ऑफ, पपेती डैश का त्योहार है पारसीज का, हिंदूज का, क्रिश्चियन का या इस्लाम का। जो पपेती त्योहार होता है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है, जल्दी से बताएंगे। यहां पे सब कह रहे सर ए ऑप्शन, कुछ लोग कह रहे सर बी ऑप्शन, जल्दी बिल्कुल, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पारसीज,
पारसी का त्योहार है पपेती, ये याद रखेंगे ठीक है। हिंदू के त्योहार तो आपको पता ही भैया, दिवाली, होली ठीक है, दशहरा, बहुत सारे त्योहार है। क्रिश्चियन के आपको एक त्योहार बड़ा फेमस है भैया, वो है क्रिसमस ठीक है, वो भी याद रखेंगे, और एक गुड फ्राइडे ठीक है, दो याद रख लीजिए। इस्लाम के भैया बहुत सारे हैं, जैसे ईद हो गया, मुहर्रम हो गया ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज रिलेटेड टू नवखाई फेस्टिवल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नवखाई उत्सव से संबंधित है, मरिया, उराव, गोंड और कोरवा। जल्दी से बताइए। एक्चुअली देखिए पारसी लोग जो होते हैं ना, आपको पता होगा पोर्तुगीज पहले यहाँ पे आए थे, एक ये क्रिश्चियन की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके भी क्या है, पारसी थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे आप अपने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं ना, वैसे ही इनके यहाँ भी क्रिश्चियन है, पारसीज है, मतलब उनको भी रहते हैं ठीक है, वो याद रखिएगा। और गोवा में आपको, इंडिया में गोवा में पारसीज मिलेंगे, अदरवाइज पारसीज नहीं है ठीक है इंडिया में उतने, तो ये माइनॉरिटी में आते हैं। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा गोंड होगा। क्या होगा दोस्तों? गोंड इज द करेक्ट आंसर। अब भैया गोंड इंडिया में, गोंड और भील जो ट्राइब है वो बहुत ज्यादा है, याद रखेंगे। और ये त्योहार भैया जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में, एमपी में और झारखंड में यहाँ पे ट्राइब्स ज्यादा हैं और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा हैं ठीक है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑफिशियल करेंसी ऑफ नेपाल इज, नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या कहलाती है, नेपाली टका, लोटी, बेर, नेपाली रुपया, मतलब रुपी। हाँ उड़ीसा में भी है ठीक है, फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे सब बोल रहे हैं सर डी ऑप्शन होना चाहिए, तो भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेपालीज रुपीज। कितना? नेपालीज रुपीज। यहाँ का अगर एक रुपए होगा, इंडिया का अगर एक रुपए होगा तो वहां का कितना होगा? 1.6 रुपी ठीक है, याद रखिएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ला तोमातिना इज द फेस्टिवल दैट इज हेल्ड इन, ला तोमातिना एक त्योहार है जो डैश में आयोजित किया जाता है, अमेरिका, स्पेन, इटली, जापान। फटाफट से बताएंगे, देखते हैं किसको पता है। वर्ल्ड का पूछ लिया गया है त्योहार स्टैटिक जीके में। यहाँ पे ओए होए हो, क्या बात है, हमें तो लगा सांप बिठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग तो सही जवाब दे रहे हैं, फिर भी सांप बिठा देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्पेन। क्या होगा? स्पेन करेक्ट आंसर होगा। स्पेन की कैपिटल क्या है दोस्तों? मैड्रिड है। क्या दोस्तों? मैड्रिड है ठीक है। अमेरिका की क्या कैपिटल है? वॉशिंगटन। क्या दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी ठीक है। और इटली की क्या है? रोम है। क्या है कैपिटल? रोम। जापान की क्या है? टोक्यो ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में है, पुलझर लेक, पुलेरू लेक, आंचर लेक या हमीरसार लेक। फटाफट से बताएंगे सभी लोग। अभी भाई आना तो स्टार्ट हो गए, कुछ कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अभी करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे कई लोग दे रहे हैं भैया आचर लेक, आचर लेक, तो आचर लेक करेक्ट है ठीक है। यहाँ पे कोलेरू लेक पूछा है, कोलेरू लेक कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। और आपको आंध्र प्रदेश में एक और लेक मिलेगा, कौन सा? पुलिकट, पुलिकट लेक ठीक है, ये याद रखेंगे। हमीरसार लेक, हमीरसार लेक कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, याद रखना है ठीक है। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फटाफट से एक बार कर देंगे, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहां तो अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके में। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, नाथुला पास, बारालाचा पास, जिलेपला पास या जोजिला पास।
जल्दी से बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो होगा क्या, जोजिला पास। क्या होगा? जोजिला पास करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, ये जम्मू और कश्मीर में लद्दाख में मिल जाएगा। जेलेपला पास कहां पर है दोस्तों? जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है। कहां पे है? सिक्किम में है। तो ठीक है याद रखिएगा, तिब्बत को चाइना से जोड़ते हैं, मतलब वो सिक्किम तिब्बत याद रखना, क्योंकि तिब्बत को चाइना अपना पार्ट कहता है, तिब्बत को चाइना अपना पार्ट कहता है। बारालाचा पास कहाँ पे है? बारालाचा पास है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा के पास के अलावा भी है वहां पे रोहतांग पास है। क्या है दोस्तों? रोहतांग पास है, शिपकिला पास है, ठीक है याद रखेंगे। बोमडिला पास बहुत बार पूछा जाता है, बोमडिला पास कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रीन ऑफ अकबर। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासन काल में नहीं हुआ था? रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट। फटाफट से बताएंगे दोस्तों। हाँ जी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रेड फोर्ट कह रहा है, कोई आगरा फोर्ट कह रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन। क्या होगा दोस्तों? रेड फोर्ट जो था वो उनके शासनकाल में नहीं बनवाया गया था, बाकी आगरा फोर्ट, इलाहाबाद और लाहौर फोर्ट सारे के सारे बना दिए गए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द कोसी रिवर ज्वाइंस द रिवर गंगा इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कोसी नदी बिहार के डैश जिले में गंगा नदी से मिलती है, भोजपुर से, गया पे, कटिहार में या जमुई में। भैया ये तो यहाँ पे जितने भी बिहार के लोग हैं वो तो बड़ी आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे कटिहार, कटिहार, ओए होए होए क्या बात है ऋषभ, बहुत बढ़िया। अरविंद, सुबी, सुनील, बहुत बढ़िया। यहाँ पे करेक्ट आंसर है कटिहार। क्या है दोस्तों? कटिहार। कोसी को क्या कहा जाता है भैया? सौरो ऑफ बिहार। क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये लेकर आता है फ्लड। क्या लेके आता है? बाढ़, इसीलिए कहा जाता है इसको सौरो ऑफ बिहार। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है सप्तकोशी। किस नाम से? सप्तकोशी। क्यों? क्योंकि इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है याद रखेंगे। कितनी ट्रिब्यूटरी है? 7 ट्रिब्यूटरी होने की वजह से इसको सप्तकोशी कहा जाता है। सौरो ऑफ बंगाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या? सौरो ऑफ बंगाल, तो आपको बोलना है दामोदर। क्या दोस्तों? दामोदर रिवर बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक बार दोस्तों शेयर कर देंगे। देखिए यहां पे जब तक 250 लोग नहीं होंगे आपको मजा नहीं आने वाला है, लेकिन जैसे ही 250 आएंगे आपको खुद पर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक स्पीड बढ़ेगी, वो यहां पर देखने को आपको खुद मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड इज अवार्डेड टू हाउ मेनी साइंटिस्ट एवरी ईयर। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार हर वर्ष कितने वैज्ञानिक को दिया जाता है? हरियाणा जो सरकार है उसने डिसाइड किया है कि भैया यहाँ पर साइंटिस्ट को हर साल अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन कितने साइंटिस्ट को दिया जाएगा वो आपको बताना है। फटाफट से, यहाँ पे नॉट श्योर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी प्रिंस चार्मिंग का तुक्का लग गया है, बाकी लोग का क्या है? हाँ टू जो है वो करेक्ट आंसर है, दो लोगों को हर साल दिया जाता है। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्कीम निकाला, हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड, याद रखिएगा, दो साइंटिस्ट को हर बार देते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच इज ए सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में खारे पानी की कौन सी झील स्थित है? सांबर, चिल्का लेक, बारापानी, दल लेक। फटाफट से, यहां पे लोग ए ए ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी लोग का क्या कहना है? ए ए ए, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं। भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सांबर लेक जो है वो कहां पर है? राजस्थान में। चिल्का लेक भी सॉल्ट वाटर लेक है। क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है, लेकिन ये कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में है।
ठीक है, इसको बैराकेश लेख भी बोलते हैं। क्या? बैराकेश लेख भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डल लेक, डल लेक में ना एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट है, ठीक है, क्या? पोस्ट ऑफिस। तो ये कहां पर है भैया? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? बीजिंग, जॉर्जिया टाउन, सेंटियागो या ओटावा? फटाफट से बताएंगे। यहां पे ओटावा आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी कुछ लोग गलत दे रहे हैं, क्या देख लेते हैं। हाँ जी, अभी तक तो नहीं आया है, बिल्कुल। यहां पे चलिए, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या? ओटावा होगा। ओटावा इज द करेक्ट आंसर। बीजिंग किसकी कैपिटल है दोस्तों? चाइना की है। किसकी है? चाइना की है। जॉर्ज टाउन किसकी है? गुयाना की है। किसकी है? गुयाना की है। सेंटियागो किसकी है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, सेंटियागो किसकी कैपिटल है? फटाफट से। चिले, चिले, बहुत बढ़िया भैया, चिले होगा। क्या है? चिले करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हु, देखिए यहां पे कैपिटल जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन से पूछे भी गए हैं। कॉपेनहेगन, कॉपेनहेगन पूछा गया है, जो कि डेनमार्क की है। किसकी है? डेनमार्क की है। हेलसिंकी पूछा गया है दोस्तों, हेलसिंकी किसकी है? फिलीपींस, सॉरी फिनलैंड की है। फिलीपींस नहीं है, फिनलैंड है, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ की है दोस्तों? नीदरलैंड की है, ठीक है। ये सारे कैपिटल ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपसे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Who among the following is popularly known as the Mozart of Madras? निम्नलिखित में से किसे द मोजार्ट ऑफ द मद्रास के नाम से जाना जाता है? ए आर रहमान, लैर राजा, किशोर कुमार, एस पी बाला सुब्रमण्यम? फटाफट से बताएंगे, किसको कहा जाता है द मोजार्ट ऑफ मद्रास? हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं अलग अलग नाम आ रहे सबके। हाँ जी, यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ए आर, ए आर, ए आर। तो भैया ए आर रहमान को कहा जाता है द मोजार्ट ऑफ मद्रास। किशोर कुमार को भैया एक ही नाम से जाना जाता था, किशोर दा, क्या बोलते थे? किशोर दा, मतलब बड़ा भाई, किशोर दा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन लोकेटेड? इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? टोक्यो में, जेदा में, अबू धाबी में या रोम में? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए, भाई कुछ भी मतलब, कुछ भी। अच्छा, सी कह रहे हैं कुछ लोग। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जेदा। क्या है? जेदा, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। यहां पे टोक्यो में किसका है? यूएनयू का है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। किसका दोस्तों? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का है, ये याद रखेंगे। रोम में आपको किसका मिल जाएगा? WFP का मिल जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आपको कैप्टन वो मिल जाएगा, ठीक है, क्या? हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? उराल, सटर, सटर बुटेस या एल्प्स या सीरा नेवेडा? हाँ, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा भैया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से बताइए कि भैया स्मॉलेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, देखते हैं किसका सही होता है। कोई ऑप्शन टू कह रहे हैं कुछ लोग, ए कह रहे हैं। उराल कैसे होगा दोस्तों? उराल तो है ही नहीं, ठीक है। यहां पे करेक्ट आंसर जो बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ जो भी जा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सटर बुटेस जो है ये स्मॉलेस्ट क्या है, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट रेंज है, ये याद रखिएगा। उराल जो है भैया ये किसको अलग करती है? एशिया को अलग करती है, किससे? सॉरी, यूरोप से, ठीक है, एशिया को अलग करती है यूरोप से, दोनों के बीच में भैया ऐसे यूराल है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच फोर्ट इज नोन एज अकबर दुर्ग? कौन सा किला अकबर दुर्ग के नाम से जाना जाता है? देख लीजिए, स्टैटिक जीके ऐसे क्वेश्चन होते हैं
जहां पे कंफ्यूजन होता है। एग्जामिनर यही करता है कि उसको पता है बच्चे बड़े जोर लगा के पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, क्वांट, रीजनिंग, लेकिन स्टैटिक जीके ऐसी है कहीं से भी पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों का मैगजीन, क्या दोस्तों? मैगजीन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुबह, ओके सुबह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैगजीन इज द करेक्ट आंसर। रॉकस, क्यूटी, राजेश, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन संघ की आधिकारिक मुद्रा है? येन, डॉलर, यूरो और पाउंड, फटाफट से बताना है दोस्तों। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें तो आई गेस ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। रश्मिता, यूरो फाइटर, अमित, ओके, यहां पे करेक्ट आंसर होगा भैया यूरो। क्या यूरो जो है उनकी क्या है, करेंसी है। अब येन की हमने अभी देखा कहां की करेंसी थी, जापान की थी। डॉलर कहां पे आपको मिलेगा, या आप चले जाइए यूएसए साइड, वहां पे डॉलर मिलेगा। पाउंड आपको ब्रिटेन की साइड में मिल जाएगा, ठीक है। और चाइना की अभी हमने कौन सी देखी थी, जल्दी से बताइए, चाइना की अभी हमने कौन सी करेंसी देखी थी, देखते हैं कितने को याद है। हाँ, ब्रिटेन में पाउंड मिल जाएगा भैया। हाँ जी शिवम, हेलो। चाइना में यान भी, देखिए रेनमिनबी और यान दोनों कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये येन है, जापान में येन और चाइना में यान, मैं तो कहता हूं यान भी याद रखिए, ठीक है, रेनमिनबी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू एशिया? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एशिया से होकर गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ओनली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओनली, इक्वेटर ओनली, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर ओनली? फटाक से बताएंगे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एशिया से कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो यहां पे डी ऑप्शन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। वन क्यों कह रहे दोस्तों, वन कैसे होगा, वन नहीं है। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये सेंटर से जा रही है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। क्या बोल देते हैं? इक्वेटर, ठीक है। इसके ऊपर से जो जाएगी 23.5 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नीचे से जो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहां पे हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके निकलती है, ये याद रखिएगा। एशिया हमारा बड़ा है, तो उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर दोनों होके निकलती है। अफ्रीका भैया यहां पर है, तीनों होके निकलती है, अफ्रीका से तीनों की तीनों होके निकलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तभी तो अफ्रीका में गर्मी ज्यादा होती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में ना, जो भी बीच में कंट्री आएगी उसमें सबसे ज्यादा हीट होगा। तभी आप देखोगे आईएसए, इंटरनेशनल सोलर एलियांस जो बना, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, गुड़गांव, क्या है दोस्तों, गुड़गांव है, उसमें आपको सबसे ज्यादा कंट्री वो वाली मिलेंगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती है, क्योंकि हमने क्या सोचा है, सोलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे जस्टिन बीवर ने तो डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, रोम, हेग या वॉशिंगटन? जल्दी से बताएंगे, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। भैया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या, हेग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है कहाँ पे दोस्तों, हेग एक्चुअली है कहाँ पे, जल्दी से बताएंगे, द हेग कौन सी कंट्री में है, द नीदरलैंड। हाँ जी, द हेग इज द करेक्ट आंसर, लेकिन हेग है कहाँ पे, अभी तक तो किसी ने नहीं बताया, नीदरलैंड, ओके। चलिए भैया नीदरलैंड लिख देते हैं, गुस्सा मत होइएगा, ठीक है। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस, ठीक है। रोम कहाँ पे है, इटली, ठीक है। वॉशिंगटन यूएसए में। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी लेयर सन हैव, सूर्य की कितनी परतें होती हैं? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कितना लोगों को पता है, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बात है सपना, बहुत बढ़िया अरविंद, बहुत बढ़िया। लेकिन काउंट याद रखना बहुत आसान है, उसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो भैया जो भी 7 के साथ जा रहे हैं बड़े खुश हो जाइए, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब 7 लेयर होती कौन कौन सी है दोस्तों, तो भैया पहली तो होती इनर कोर,
क्या होती है दोस्तों? इनर कोर। दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, फटाफट से बताएंगे, दूसरी कौन सी होती है जल्दी से? रेडियो एक्टिव होती है कि नहीं होती है? दूसरी होती है रेडियो एक्टिव, क्या होती है? सॉरी, रेडिएशन, रेडिएशन। फिर होती है कन्वेंशन, ठीक है, क्या होती है? कन्वेक्शन। फिर होती है ट्रांजिशन, क्या होती है? ट्रांजिशन। फिर क्या होता है? फोटोस्फीयर, क्या होता है? फोटोस्फीयर। फिर क्या होता है? क्रोमोस्फीयर, क्या होता है? क्रोमोस्फीयर। लास्ट कौन सी होती है? कोरोना, क्या होती है? कोरोना। देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ भैया, इसी सीक्वेंस में होती है। और आउटर लेयर का टेम्परेचर जो होता है सन का, वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहाँ पे बैड लायर ने मेंशन कर दिया, वेरी गुड बैड लायर। भैया ऐसे ही तैयारी करना है, जो भी तैयारी कर रहा है हर एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ओयो, इतना इजी सवाल। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, बेंगलुरु। इसको गलत नहीं देंगे भाई, इसमें भी कुछ लोग गलत ही आ रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कई लोग न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो बिल्कुल न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है क्या होगा, करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली होगा। और इसको बनाया कब गया था दोस्तों, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1948 में, ठीक है, ये याद रखेंगे। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे आई के थ्रू होके निकलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैन बी फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है? सुंदरबन नेशनल पार्क, मुरलैंड नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क या डेजर्ट नेशनल पार्क? यहाँ पे कई लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, सर डेजर्ट नेशनल पार्क होना चाहिए। बाकी लोगों का क्या कहना है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी चलिए, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो भी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं उनका करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क को और किसी नेशनल पार्क से भी जाना जाता है, फटाफट से बताइए, अगर जाना जाता है तो किस नाम से? सुंदरबन को भैया कहाँ पर मिलेगा? वेस्ट बंगाल। कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल मिलेगा। मानस कहाँ पे मिलेगा भैया? आसाम में मिलेगा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे पहले यहाँ पे डेजर्ट कहाँ किस नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ मुरलेन मिजोरम में है, पहले इसको बताइए किस नाम से जाना जाता है, थार के नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। ये मुरलेन तो मिजोरम में है, ठीक है, याद रखिएगा कहां पे है, मिजोरम में है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला वांसदा बताइए दोस्तों, वांसदा, वांसदा नेशनल पार्क कहां पे है? एग्जाम में पूछा गया है, SSC CHSL में लास्ट टाइम पूछा गया था, बताइए वांसदा नेशनल पार्क कहां पर है? वेरी गुड, गुजरात में। कहां पे है दोस्तों भैया? गुजरात में है, ठीक है। चले आगे, चलिए, द ग्रैमी अवार्ड आर अवार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? म्यूजिक, फिल्म, डांस और एंटरटेनमेंट। हाँ जी अभी करेक्ट आ रहे हैं भाई, लगता है सारे के सारे लोग ग्रैमी अवार्ड देखते हैं। हाँ हाँ जी, यहां पे क्या होगा, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर होगा म्यूजिक इंडस्ट्री। क्या होगा? म्यूजिक इंडस्ट्री। पहली बार कब आयोजन हुआ था दोस्तों? तो 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। कहां पे हुआ था? यूएसए में। यूएसए में भी कहां हुआ था? लॉस एंजलिस। भैया लॉस एंजलिस में हुआ था, 1959 में लगभग हुआ था, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। वेरी गुड, अगला प्रश्न आपके सामने, विच डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? आदिया, हीराकुड, सरदार और तहरी। तहरी डैम, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि भैया सरदार जो क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी है उस पे कौन सा रिवर है? देखते हैं, यहां पे आना शुरू हो गया है सर, ऑप्शन नंबर 333। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? सरदार सरोवर डैम। क्या होगा? सरदार सरोवर डैम। नर्मदा निकलती कहां से दोस्तों? तो अमरकंटक से, ये याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये अमरकंटक है कहां पर? एमपी में है। कहां पर है? एमपी में। इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों नदी की? 1312 किलोमीटर। कौन कौन से रास्ते होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से,
एमपी से और गुजरात से होके निकलती है, ठीक है। अधिया डैम, अधिया डैम कौन सी रिवर पर है दोस्तों? बेटी रिवर, बेटी रिवर। अब बेटी रिवर कहां पर है सर? ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। क्या कोई बेटा रिवर है? नहीं, बेटा रिवर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम बेटा को क्या कहते हैं? सोन रिवर। तो सोन रिवर जरूर है, ठीक है। बेटी रिवर गुजरात में है, सोन रिवर एमपी से निकलती है, ठीक है। हीराकुड डैम कहां पर है दोस्तों? महानदी पर। कहां पर है? महानदी पर है, ये याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पर है? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है हीराकुड डैम और ओडिशा राज्य में है। सबसे बड़ा डैम है ये याद रखिएगा। तेहरी कौन सी नदी पर है? भागीरथी, भागीरथी नदी पर है। और ये सबसे ऊंची डैम है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्स्टिलेशन, मिल्की वे, गैलेक्सी या एंड्रोमेडा। अब मजा आएगा धीरे धीरे, यहाँ पे क्लास हो रही है स्टार्ट। तो फटाफट से क्या करेंगे दोस्तों? शेयर करेंगे और बुला लेंगे दोस्तों को कि ये युद्ध जो है वो बड़ी भारी हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे ए ए ऑप्शन आ गया। तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिलेशन। क्या होगा? कॉन्स्टिलेशन। आपने देखा होगा कई बार, आप अगर चंद्रमा पे देखो, सॉरी चंद्रमा पे बोल रहा हूँ, आसमान में जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के भी स्टार मिलेंगे। कभी देखा है क्या दोस्तों? आपको कभी लगा होगा कि ये चार मिल रहे हैं और इसकी पूछे भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन आपको मिल जाएंगे। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इनहेबिटेड फोर्ट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित किलों में से किस किले को दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय किला माना जाता है? कुंभलगढ़, मेहरनगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ा इनहेबिटेड फोर्ट कहलाता है। देखते हैं किसके आंसर करेक्ट आते हैं। टुडे इज माय बर्थडे, तो जूही आपको हैप्पी बर्थडे, वी ऑल ब्लेस यू, कि भैया आप हमेशा सक्सेस हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब बोल रहे हैं सर मेहरनगढ़ होना चाहिए, कोई बोल रहा है सर कुंभलगढ़ होना चाहिए। भाई सारे के सारे राजस्थान के ही लगभग दे दिए। हाँ जी, सारे राजस्थान के हैं यहाँ पे, लेकिन आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा इनहेबिटेड फोर्ट कौन सा है? अभी तक किसी का भी नहीं आया है यहाँ पे, सही नहीं आया दोस्तों, सही नहीं आया है, डी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे कन्हैया, हिमांशु थ्री नहीं है, सुबी, सुबा, बहुत बढ़िया तेजस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर, जैसलमेर फोर्ट। भैया राजस्थान वाले तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे होंगे इस समय, है ना। आपको याद रखना जयपुर में बड़े अच्छे अच्छे फोर्ट है दोस्तों। कौन कौन से फोर्ट है जयपुर में? आपको जंतर मंतर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? जंतर मंतर, हवा महल, ठीक है, आमेर फोर्ट, क्या बोल दोस्तों, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, ठीक है, फिर नाहरगढ़ फोर्ट, ठीक है। ये सारे सारे मिल जाएंगे आपको जयपुर में। जयपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून। निम्नलिखित, ले भाई यहाँ पे पृथ्वी का अपने को तो पता नहीं चल रहा हाईएस्ट पॉइंट, मून का बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पर उच्चतम बिंदु है? माउंट लेबनिट्स, माउंट फोर्ब्स, माउंट एवेलो या नन ऑफ द अबव। भाई सब लोग ए ऑप्शन, ए ऑप्शन चले गए। साफ बिठा देता हूं मैं, जिससे भैया सबको डस ले, भैया सबको डसेगा। नेगेटिव मार्किंग करा लो आप तो, है ना भाई। देखो फंस गए सारे के सारे भैया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया नन ऑफ द अबव। क्या होगा? नन ऑफ द अबव। अब बोलोगे सर नन ऑफ द अबव, तो फिर करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों मॉन हाइगन। क्या? मॉन हाइगन जो है वो पीक पॉइंट है मून का, मॉन हाइगन, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे मॉन हाइगन, मून में मॉन, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सुबह ने लिखा है, सुबह रामचंद्रन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मॉन हाइगन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर 2, जुलाई 5, नवंबर 14 और नवंबर 3। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 दिसंबर, 2 दिसंबर नितिन जा रहे हैं, बाकी लोग भाई क्या कर रहे हैं देखते हैं कितना कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को आज आप। स्टैटिक जीके यही होता है दोस्तों,
अगर आपने अभी रिवाइज किया आगे चल के आपको वो क्वेश्चन बनने लगता है, लेकिन नहीं कवर किया आपने तो वही एग्जाम में दिक्कत देती है। करेक्ट आंसर होगा 2 दिसंबर। क्या होगा? 2 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जुलाई 5 तो यहाँ पे याद नहीं करना है, 11th जुलाई जरूर रखिएगा याद। कौन सा दोस्तों? पॉपुलेशन डे। पॉल्यूशन डे मत बोलिएगा, पॉपुलेशन डे है दोस्तों। कौन सा? पॉपुलेशन डे। ठीक है, यहाँ पे नवंबर 14 दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन डे। ठीक है, याद रखिएगा, चाचा जी जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच फीमेल एथलीट निकनेम्ड एज ढिंग एक्सप्रेस आफ्टर हर विलेजेस नेम। किस महिला का एथलीट का नाम उसके गांव के नाम पर ढिंग एक्सप्रेस रख दिया गया है? तो भैया आपको बताना, हिमा दास, मैरी कॉम, MR पुअम्मा और सरिता गायकवाड़। सारे लोग, सर हमें पता है ये गोल्ड मेडल लाया है इन्होंने, तो उनका नाम हिमा दास है। क्या है दोस्तों? हिमा दास है। ये याद रखेंगे, ढिंग एक्सप्रेस मतलब उनके गांव का नाम ढिंग था, और ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? आसाम को बिलोंग करती हैं। ये है कौन? एथलीट, दौड़ती हैं। ठीक है, दौड़ दौड़ कर जीता है गोल्ड मेडल। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम देखिए 220 लाइव है, लेकिन फटाफट से फिर भी क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, बस दोस्तों 200 हम लाइव है लेकिन लाइक सिर्फ 102, फटाफट से बराबर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट कोया, माउंट डिवोलो, सैडल पीक और माउंट थुलर। ये तो बड़ा इजी सा सवाल आ गया सर, इसको तो हम चुटकियों में निपटा देंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान से, गलतियां बहुत की है, इस बार गलती नहीं माफी की जाएगी। सांप को बिठा देता हूं, वो भी आपको नजर देखता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे सर सैडल पीक होना चाहिए, सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए सैडल पीक आसान है आंसर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो मेरा रहेगा, इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? हाइट बताइए फटाक से, हाइट बताइए यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है। सैडल पीक तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए, मुझे पता था आपको बिल्कुल रट्टा होगा ये। ओए होए होए, बाप रे, हाइट भी रट रखी है भाई यहाँ पे तो। ऐसे योद्धा बिल्कुल, मैं सभी के लिए ताली बजाता हूं जिन्होंने अभी तक हाइट बता दी है, 732 मीटर। प्रसन्नजीत बहुत बढ़िया, यहाँ पे कितना भैया? 732 मीटर। ठीक है, क्योंकि देखिए डिजिट नंबर डेट ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि मुझे भी बहुत पहले भी हुआ करता था, अभी भी समटाइम्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहे हो तो सैल्यूट टू ऑल गाइस, सिलेक्शन डेफिनेटली लेके रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ। डोडोमा कहाँ की राजधानी है? बोले सर इंडोनेशिया, नाइजेरिया, तंजानिया और छड की। बोले सर कैसा कैपिटल ले आए, नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी सब लोग जवाब दे देंगे, मुझे पता है। जल्दी बताइए, कल देखा, मुझे पता था यहां पे मैं सिर्फ 2 ऑप्शन अलग लेकर आया, जिससे यहां पे कंफ्यूजन, उनको सबको पता है कि सर इंडोनेशिया नाइजीरिया का तो नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट छठ दिख रहा है, छठ को लगा देते हैं, यही सोच रहे सब लोग। करेक्ट आंसर दोस्तों तंजानिया होगा। क्या होगा? तंजानिया, छड़ नहीं होगा। ठीक है, बोले कि कैपिटल अलग है सर थोड़ा, तो ऑप्शन भी अलग लगा दे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग ने अभी तंजानिया देना स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच प्लेनेट इज कंसीडर्ड द अर्थ ट्विन। भैया पृथ्वी को जुड़वा किसको कहते हैं, किस ग्रह को अर्थ ट्विन माना जाता है? मरकरी, मार्स, यूरेनस, वीनस। सारे लोग बोल रहे हैं सर वीनस वीनस वीनस, लेकिन वीनस क्यों दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका साइज जो है वो लगभग सिमिलर जैसा लगता है। वीनस को हम कौन सा प्लेनेट बोलते हैं? हॉटेस्ट प्लेनेट भैया, सबसे गर्म और ब्राइटेस्ट, सबसे चमकदार प्लेनेट जो है वो जो है वीनस है। देखिए अर्थ जो है, अर्थ कैसा प्लेनेट है? ब्लू प्लेनेट है। कैसा है? ब्लू प्लेनेट है। और डेंसिएस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो आपको बता देना है अर्थ की है, ये याद रखेंगे। अर्थ बताइए रोटेशन कैसा लेता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट लेता है या वेस्ट टू ईस्ट लेता है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अर्थ रोटेशन कैसे लेता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? ओए होए होए होए, बोले सर अब मत फंसाइए, इसमें हम ना फंसेंगे, बिल्कुल
वेस्ट टू ईस्ट होता है, ऐसा मत सोच लेना पृथ्वी मतलब सूरज ईस्ट से निकल रहा है वेस्ट में, तो यहां से ईस्ट से वेस्ट उल्टा उल्टा घूमता है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होगा दोस्तों, वेस्ट टू ईस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भैया कैसा पाथ होता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड और हाइपरबोलिक। भैया ये सूरज है, ठीक है, इसके किनारे सूरज, ठीक है, सूरज लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कैसा भैया पाथ है। भाई कुछ लोग सर्कुलर भी बोल रहे हैं, सर्कुलर नहीं है दोस्त, सर्कुलर नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग इसी पे कंफ्यूज, रेक्टेंगुलर तो हो ही नहीं सकता, इसको तो ऐसी मार दो गोली, हाइपरबोलिक तो हो ही नहीं सकता, अब दो ही में मेरे को लग रहा है सर, तो सर्कुलर के लोग बहुत सारे सर्कुलर पे जाते हैं, लेकिन उसका पास दोस्तों इलोंगेटेड है। कैसा है, इलोंगेटेड, एक तरफ से ऐसा है और दूसरी तरफ से ऐसा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इलोंगेटेड, ऑप्शन नंबर थ्री। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जब पास में होता है ना तो इसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरिहेलियन बोलते हैं। जब यहाँ पे अर्थ दूर होता है सूरज से तो उसको बोलते हैं एपिहेलियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एपिहेलियन बोलते हैं। चले आगे, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, तुनिस, दुशान्बे, लोम, तपई। बड़ा इजी सा क्वेश्चन यहां पर, लेकिन देखना होगा कौन सही जवाब देता है। ओए होए होए ऋषभ, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा भाई, सभी लोग कोई किसी से कम नहीं। ये अमी बा एबीडी, क्या बात है, एबीडी ने भी बिल्कुल मार दिया है छक्का। करेक्ट आंसर है दुशान्बे। क्या दोस्तों, दुशान्बे इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द संजय गांधी नेशनल पार्क सिचुएटेड, संजय गांधी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मुंबई में, चेन्नई में, पुणे में, लखनऊ में, या मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं, मध्य प्रदेश में। जल्दी से बताएंगे फटाफट से कोई, तो भाई बोले सर आप कोई सा भी ऑप्शन लिख लो, मैं तो टिक ना लगाने वाला, आप फंसा देते हो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है, वो है मुंबई। क्या है, मुंबई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क पूछा है, हालांकि संजय नेशनल पार्क भी है दोस्तों, संजय नेशनल पार्क एमपी में है, ठीक है, कहाँ पर है, एमपी में है, सर्च कर सकते हैं आप संजय नेशनल पार्क। ये संजय गांधी नेशनल पार्क किस नाम से जाना जाता है, बोरीवली नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क बोरीवली में है, ठीक है, ये याद रखेंगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एमपी में भी है संजय नेशनल पार्क, यहां पर है संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसको हम बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गॉड ऑफ मेडिसिन, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा का देवता कहा जाता था, आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि को और धन्वंतर को। जल्दी से बताएंगे दोस्त, सारे के सारे लोग बिल्कुल, भाई किसी का गलत नहीं होना चाहिए, हाँ आना तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन फोकस करके भाई यहां पे कंफ्यूज मत होना। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है यहां पे, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, धन्वंतर। क्या होगा, धन्वंतर करेक्ट आंसर है। आर्यभट्ट ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, क्या थे दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर। इन्होंने बहुत बड़ी खोज की, किसकी, जीरो की, किसकी, जीरो की, ठीक है। पतंजलि भैया, पतंजलि योग सूत्र, क्या दोस्तों, योगा, ठीक है याद रखिएगा। पाणिनि, पाणिनि ने सबसे पहले व्याकरण किताब निकाली थी, आपको पता होगा हमने क्लास में पढ़ा है, अष्टाध्यायी, क्या नाम था, अष्टाध्यायी नाम था, ठीक है भूलना नहीं है। चले आगे दोस्तों, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों एक बार फटाफट से सभी लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। 255 यहां पर हम लाइव हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 133, क्या बात है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन लोकेटेड, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहां है, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में या पेरिस में। फटाफट से बताएंगे भैया कि अंतरराष्ट्रीय खगोलिक का कहां पर मुख्यालय है। हाँ जी, अभी कुछ लोग पेरिस कह रहे हैं, कुछ लोग जिनेवा कह रहे हैं, लेकिन इसका तो एक ही आंसर होगा, जिनेवा नहीं है दोस्तों, जिनेवा जो बोल रहे हैं वो गलत है, पेरिस यहां पर करेक्ट है। क्या है, पेरिस है। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया दोस्तों, 1919 में लगभग किया गया था, और पेरिस कहां पर है भैया, फ्रांस में, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में, जोधपुर में, कानपुर में या फतेहपुर में? हाँ जी, यहाँ पे नागपुर क्यों कह रहे हो दोस्त? जी देखिए, यहाँ पे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च का है, बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपको पता है एरिड मतलब क्या होता है? सूखी मिट्टी, थोड़ी सूखी मिट्टी, ठीक है। अब सूखी मिट्टी कहाँ मिलती है भैया? यहाँ पे देखिए, जोधपुर, जोधपुर राजस्थान है, राजस्थान में कैसी मिलती दोस्तों? सूखी मिट्टी। तो हम टिक किसको लगाएंगे? जोधपुर को। चलिए, जोधपुर इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन को टफ तब बनाया जा सकता था जब सारे के सारे राजस्थान के दे देता ऑप्शन, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, तब थोड़ा टफ हो जाता, ठीक है। इसमें तो हम एलिमिनेट कर सकते थे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। विच टाइप ऑफ लेक आर क्रिएटेड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है? ग्लेशियल लेक, टेक्टोनिक लेक, कार्टर लेक या फिर लैंडस्लाइड लेक? ये हमने क्लास में किया है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा दोस्तों, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। ओए होए होए, क्या बात है भाई, इतना जल्दी जल्दी आंसर जा रहे हैं कि समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सही दे रहा है कौन गलत। हाँ जी बिल्कुल बताइए, यहाँ पे कुछ लोग कार्टर लेक कह रहे हैं सर, कुछ लोग टेक्टोनिक कह रहे हैं। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर आ रहा है सी ऑप्शन, कार्टर लेक, कार्टर लेक, कार्टर लेक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कार्टर लेक। क्या होगा? कार्टर लेक। कार्टर लेक का कोई एग्जाम्पल दोस्तों? कार्टर लेक का एग्जाम्पल क्या होगा? लोनार लेक। अब ये लोनार लेक कहाँ है सर? लोनार लेक है सर ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। आपको पता होगा कुछ समय पहले ये न्यूज में आ गया था, क्योंकि इसका पानी जो है वो कैसा चेंज हो गया था? पिंक कलर में हो गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टेक्टोनिक लेक दिया हुआ है, टेक्टोनिक लेक का एग्जाम्पल अगर आपको पता करना है तो प्योंगयांग, प्योंगयांग लेक, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, म्यांमार की मुद्रा क्या है? बलबोआ, यूरो, कार्डोबा या क्यात? इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं करेगा, सारे के सारे लोग को सही करना है। देखते हैं किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, सबके साथियां है ना। हाँ जी, यहां पे कह रहे सर क्यात 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 होना चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्यात होगा। क्या होगा? क्यात करेक्ट आंसर होगा। म्यांमार की कैपिटल आपको याद रखना है नाइपिदाव। क्या दोस्तों? नाइपिदाव। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनका कैपिटल याद रख लीजिए, करेंसी याद रख लीजिए, कैपिटल तो बिल्कुल याद रखना है। जैसे नेपाल का क्या होगा दोस्तों? काठमांडू होगा, ठीक है। भूटान का क्या होगा दोस्तों? भूटान का होगा थिम्पू, ठीक है। श्रीलंका का क्या होगा? श्रीलंका का होगा जयवर्धने कोटे। क्या होगा दोस्तों? जयवर्धने कोटे, याद रखिएगा। और कुछ म्यांमार का हमने देख लिया नाइपिदाव, और कोई जल्दी से, जितने पड़ोसी हैं सारे के सारे रट लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उकाई डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट डैम इन द स्टेट। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ओ होय, क्या बात है भाई, यहाँ पे सारे लोग बोले सर गुजरात गुजरात गुजरात। यहाँ पे तो रिवर भी बता दिया, बहुत बढ़िया। ताप्ती रिवर कहाँ पे दोस्तों? ताप्ती रिवर गुजरात, ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा डैम मिलेगा? आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर, ठीक है। और कौन सा मिलेगा नागार्जुना सागर के अलावा? कौन सा मिलेगा जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ गुजरात में है, ताप्ती रिवर पर है, और हाँ कृष्णा नदी पे है नागार्जुना सागर, बहुत बढ़िया। श्रीशैलम, किसने बताया ये? सोम रॉय, बहुत बढ़िया। श्रीशैलम कौन सा दोस्तों? श्रीशैलम, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द फॉलोइंग विच इज द बर्ड, विच ऑफ द बर्ड इज नोन एज द लाफिंग जैकॉक्स। निम्नलिखित में से किस पक्षी को द लाफिंग जैकॉक्स के नाम से जाना जाता है? लायर बर्ड, कीवी बर्ड, ईमू बर्ड या कुका बुरा बर्ड? भैया ऑप्शन यहाँ पे एक देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। कई लोग कह रहे सर डी, बुरा लिखा है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है इस ऑप्शन से, इसलिए आप टिक लगा रहे हो। चलिए हंसी मजाक, बहुत बढ़िया। रितिका, नितिन, आर्मी लवर, ओए होए होए, मजा आ गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया कुका बुरा बर्ड को क्या कहा जाता है? लॉफिंग जैकॉक्स कहा जाता है। आगे बढ़े भैया,
एक मुझे बात बताइए, किस कंट्री के टीम को हम कीवी कहते थे? उनका भैया कंट्री मतलब नेशनल बर्ड कीवी है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बहुत न्यूज में था, मतलब न्यूज में मैं कहूं कि आप लोग को पता है, क्योंकि वो क्रिकेट एक टीम है, कीवी किसकी है? न्यूजीलैंड, 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 सभी ने लिख दिया। तो भैया न्यूजीलैंड याद रखिएगा, क्या बहुत बढ़िया भाई, सारे योद्धा है क्या भैया? तलवार अलवार लेके बैठे हो क्या कि सर ने क्वेश्चन फेंका और हमने भाला फेंका ऐसा? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? आ जाइए, इंडोनेशिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? इंडोनेशिया रिंगित, इंडोनेशिया फ्रैंक, इंडोनेशियन रूपी, इंडोनेशियन बहत। फटाफट से अब देखेंगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन वाला सवाल। हाँ जी, यहां पे कुछ लोग करेक्ट दे रहे हैं आंसर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, यहां पे करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशियन रूपी। क्या होगा? इंडोनेशियन रूपी होगा। रिंगित कहां का है दोस्तों? रिंगित कहां का है जल्दी से बताएंगे फटाफट से, रिंगित कहां का है? वेरी गुड, यहां पे बैड लायर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सर ये मलेशिया का है, रिंगित तो इंडोनेशियन बहत। भैया इंडोनेशियन नहीं रहेगा, रिंगित सिर्फ पूछा है मैंने। यहां पे भी अगर मैं बहत सिर्फ बात करता हूं तो ये थाईलैंड का है। किसका है दोस्तों? थाईलैंड का है, ठीक है। और इंडोनेशिया में अगर यहां से हटा देता हूं, फ्रैंक कहां का है? फ्रांस का है। अब ऐसा मत सोच लेना सर तो बोल रहे हैं सर इंडोनेशियन, इंडोनेशियन हटा दो दोस्तों तो बता रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन सभी से गुजारिश, एक बार फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। यहां पर अभी हम 264 लाइव है, लेकिन लाइक सिर्फ 181, अभी तक तो 250 हो जाना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 130 मिलियन किलोमीटर, 170, 180, 150 मिलियन किलोमीटर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहां पे आ रहा है सर 150 होना चाहिए। रॉकर्स, कृष्णा, तान्या, नितिन, तेजस, प्रबल, ओके, एमसीएफ, बहुत बढ़िया। यहां पे करेक्ट आंसर हो भैया 150 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 150 किलोमीटर। सन की कितने भाई लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं, हमने पढ़ा था, याद रखेंगे। आउटर टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिए। आउटर जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं कोरोना। ये वायरस वाली कोरोना नहीं है दोस्तों, ये उसकी लेयर है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ल्ड हैबिटेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष प्रत्येक वर्ष के डैश में मनाया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट अक्टूबर, सेकंड संडे ऑफ अक्टूबर या सेकंड अक्टूबर? फटाफट से बताएंगे दोस्तों, अभी आना स्टार्ट हो चुका है भाई, सारे के सारे लोग एक साथ हबला बोलते हैं, बच के रहना पड़ेगा, है ना। ठीक है, बिल्कुल, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट मंडे होगा, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट अक्टूबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल। क्या? ओल्डर पर्सन या ओल्डर पीपल मनाते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। द 64 योगिनी टेम्पल बिलोंग टू द 64 योगिनी मंदिर डैश का था 11th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में, 10th और 8th सेंचुरी में। देखते हैं किसका करेक्ट आता है, फटाफट से आंसर करेंगे। अभी आना स्टार्ट हो गया सर, 9th। तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 10th सेंचुरी में। ये एक्चुअली है कहाँ पे 64 योगिनी? ये है एमपी में। एमपी में कहाँ पे सर? मुरैना में है। कहाँ पे है? मुरैना में है, याद रखिए। कौन से भगवान को ये समर्पित है? तो भैया शिव, शिव गॉड को, मतलब शिव भगवान को। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? एंडीज, हिमालयस, कोसिकोस, उराल। ओए होए, ये तो भैया किया हुआ है, अभी किया था हमने, क्लास में किया हुआ है, आज की क्लास में। गलती ना कर दियो, नहीं तो यहाँ पे 250 लोग हैं, पार्टी देनी पड़ेगी 250 को। अरे पार्टी लेने के लिए भैया बढ़ गए लोग, 256 लोग हो गए, तो 256 को देनी होगी। लेकिन कोई गलत नहीं दे रहा, सारे के सारे सही दे रहे हैं, मतलब पार्टी नहीं देंगे एक दूसरे को, है ना।
उराल माउंटेन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िया दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश्ड एट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां हुई थी, करनाल में, हिसार में, आनंद में या जयपुर में। देखिए यहां पे आपको मैं बता दूं कि जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, बफेलो मिल्क, ठीक है, बफेलो मिल्क प्रोड्यूस करता है। और हमने कैसे याद किया था दोस्तों कि सबसे ज्यादा मिल्क करता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसे याद किया था। तो ऐसे ही याद कर लेंगे कि भैया दूध जो होती है वो सबसे ज्यादा इंडिया करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हालांकि जो होगा वो होगा करनाल, क्या होगा, करनाल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, करनाल है कहां पे ये बताइए फटाफट से, करनाल है कहां पे, जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल यहां पे आ गया सर, हरियाणा, 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 तो हरियाणा करेक्ट होगा, क्या होगा दोस्तों, हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन इज नोन एज, भारतीय योजना आयोग का मुख्यालय डैश के रूप में जाना जाता है, निर्वाचन सदन, योजना भवन, मानव अधिकारी भवन या निर्भया भवन। जो अपना प्लानिंग कमीशन का जो हेडक्वार्टर है उसको किस नाम से जाना जाता है, फटाफट से बताएंगे भाई, भीड़ में सभी लोग इतना तेजी तेजी से आंसर करना है भाई, गलत कोई नहीं देगा, गलत नहीं देगा क्योंकि पार्टी देनी पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। भैया करेक्ट आंसर होगा बी, योजना भवन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन देखिए स्टार्ट अगर मैं बात करूं तो 1951 से पहला हमारा जो प्लानिंग आ गया था, फर्स्ट प्लान, उसको किस मॉडल पे रखा गया था, हेराल्ड मॉडल पे, किसके दोस्तों, हेराल्ड मॉडल, पहला फाइव ईयर प्लान। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो वो कब आया, मतलब उसके बाद आया 1956 में, तो उसको किस मॉडल पे रखा गया, पीसी महलनोबिस, किस दोस्तों, किस पे, पीसी महलनोबिस। थर्ड जो था उसको क्या बोला गया, गाड़गिल योजना, क्या बोला गया दोस्तों, गाड़गिल योजना बोला गया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को हटा कब दिया गया, 2014 में हटाया गया, उसकी जगह पर कौन आया, नीति आयोग आया, बड़ा बुरा आदमी भैया नीति आयोग आ गया हटाकर, है ना। चलिए ये कब आया, 1 जनवरी 2015 में आया, कब आया, 1 जनवरी 2015 को आया। इसके चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, मोदी जी। इसके वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार, कौन दोस्तों, राजीव कुमार है। और सीईओ जो है वो है अमिताभ कंत, कौन है दोस्तों, अमिताभ कंत है। और इसको क्या कहा जाता है, नीति आयोग को, थिंक टैंक, क्या बोलते दोस्तों, थिंक टैंक। आगे बढ़े, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर इज निक नेम द पीड पीपर ऑफ द पंजाब, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर का उपनाम द पाइड पाइपर, सॉरी पाइड पाइपर, सॉरी पाइड पाइपर ऑफ द पंजाब कहा जाता है, युवराज सिंह, जितेंद्र सोधी, नवजोत सिंधु, मोहिंदर अमरनाथ। फटाफट से बताएंगे भैया, पाइड पाइपर ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है। पाइट पाइपर आप समझते हैं, जैसे आपने कहानी सुनी होगी जहां पे पाइट पाइपर जो है वो बजाते हुए जाता है और उसके पीछे पीछे चूहे आते हैं, है ना। लेकिन यहां पे भाई वो नहीं है चूहा वाला, ठीक है। चलिए यहां पे सबका करेक्ट आ रहा है सर, यूवी यूवी यूवी, तो भैया यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस नहीं, युवराज सिंह, यहां पे यूवी मतलब युवराज सिंह, ठीक है। अब देखिए मोहिंदर अमरनाथ, इनको किस नाम से जाना जाता था भैया, जिमी, अब वो जिमी 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 वाला नहीं है दोस्तों, ये जिमी सिर्फ नाम से जानते थे, ठीक है, गाना मत गाने लगना। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर या लिटिल मास्टर, ठीक है, ये याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे किसको बोलते हैं दोस्तों, और किसको किसको किसको, हाँ एम एस धोनी को किस नाम से जानते हैं, कैप्टन कूल, किस नाम से दोस्तों, कैप्टन कूल के नाम से। भैया राहुल द्रविड़ को किसके, द वॉल, भैया एक बार खड़े हो जाते थे आउट ही नहीं होते थे। सौरभ गांगुली, सबके बड़े भैया, इनको किस नाम से, दादा नाम से, बंगाल में दादा का मतलब बड़ा भाई, ठीक है, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला, हाँ सुनील गावस्कर जी को सनी के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न आपके सामने, हु वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, विश्वनाथ आनंद, के एस श्रीकांत, सानिया मिर्जा और वीरेंद्र सहवाग।
फटाफट से बताएंगे दोस्तों, कोई भी गलत नहीं देगा। और भैया सभी से गुजारिश है कि एक बार फटाफट से शेयर करेंगे, 300 के ऊपर अपन आते हैं, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक करेंगे। अब मजा आ रहा है क्योंकि अब कॉम्पिटिशन तेजी से आंसर जा रहे हैं। हाँ जी महेश, गुड आफ्टरनून। ए ऑप्शन आ रहा है, मतलब विश्वनाथ आनंद। तो भैया सबका ए ए आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, सानिया मिर्जा भी बोल रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा विश्वनाथ आनंद। क्या दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। ये कौन से खिलाड़ी है भैया? चेस के प्लेयर है, चेस प्लेयर है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे केश, यहाँ पे सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस, लॉन टेनिस, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग भैया, इनको कौन ही भूलेगा, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ एक वहां पर मैं बताना भूल गया, निकनेम आपको याद रखना, कपिल देव। कपिल देव बहुत भैया एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। कपिल देव को पूछा बोला जाता है, कपिल देव जी को द हरियाणा हरिकेन, क्या बोलते दोस्तों? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, वीनस। ठोक दो सारे के सारे, ठोक दो इसको भाई, कोई ना छोड़े इसको, एकदम सही आना चाहिए। वीनस 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 वीनस। तो भैया करेक्ट आंसर वीनस है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि वीनस क्यों है? क्योंकि देखिए ये सूरज है, सूरज के बाद कौन है? मरकरी है, फिर वीनस है, और फिर अर्थ है। तो भैया मरकरी सूरज के पास है, ये गर्म ना होके, ये गर्म ज्यादा है, इसको ज्यादा चर्बी चढ़ी है, मतलब इसके पास CO2 ज्यादा है लगता है। तो इसका मतलब CO2 होने की वजह से ये गर्म है, तो CO2 होता है, और जितना CO2 होगा तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? CO2 है, ठीक है। वहां पे क्या होगी? गैसें ट्रैप हो जाएंगी, मतलब निकल नहीं पाएगी तो गर्म हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। वीनस को चर्बी नहीं, वीनस के पास CO2 ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने, हु वॉज अवॉर्डेड मैग्सेसे अवार्ड फॉर द हार्वेस्टिंग रेन वाटर इन इंडिया। भारत में वर्षा जल संचयन के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? सुभाष पी पवानी को, राजेंद्र सिंह को, शिवा कुमार को, या अरुण पी आर को? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन करेक्ट आंसर तो देना ही होगा, रुकना मना है, ठीक है। हाँ जी जल्दी से देंगे भाई, कोई ऑप्शन बी बोल रहे हैं, कोई ऑप्शन ए बोल रहे हैं, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। हाँ जी वेरी गुड, यहां पर करेक्ट आंसर आने लगा है, सर बी बी ऑप्शन, वाटरमैन, वाटरमैन के नाम से भैया राजेंद्र। तो बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर होगा भैया क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर टू। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? वाटरमैन। किस नाम से दोस्तों? वाटरमैन, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विच फोर्ट इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम बिल्ट टू टिल नाउ, कौन सा किला अपने मूल रूप में निर्मित से लेकर अब तक का है? भाटनर फोर्ट, बनेरा फोर्ट, बयाना फोर्ट, या बसंतगढ़ फोर्ट? मतलब हमें ऐसा किला बताना है जो पहले जैसा बना था वो अभी तक वैसा ही है, उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, जल्दी से बताएंगे। बयाना बोल रहे हैं, कोई भांटे बोल रहे हैं, भाई सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं? कोई बोल रहा है भतनर है, कोई बोल रहा है बनेरा है, भाई सबके अलग अलग, मतलब सारे फोर्ट अभी तक वैसे ही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं मेंटेनेंस हमारे यहाँ अच्छी हो रही है, ये कह रहे हैं? ओके हाँ अभी सही आ रहा है। हाँ जी यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बनेर फोर्ट। क्या होगा? बनेर फोर्ट होगा। ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे? तो दोस्तों घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कब बनाया गया था? लगभग 1730 में बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, Which among the following planet is also referred as a planet on its side? निम्नलिखित में से किस ग्रह को इसके किनारे एक ग्रह भी कहा जाता है? यूरेनस को, मार्स को, अर्थ को, या जुपिटर को? फटाफट से देंगे दोस्तों, और एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक करेंगे यहाँ पे, चलिए जल्दी से। हाँ जी टॉपिक वाइज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। मैं हमेशा आपको कहता हूं अगर आपको किसी की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स पे उसी दिन आप, क्योंकि देखिए क्या होता है क्लास के बाद हम कमेंट बॉक्स चेक करते हैं, अगर आप उसी दिन कोई भी सजेशंस है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, उस सजेशन पे हम बात करेंगे और फिर आपके लिए वो क्लासेस भी लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग बोल रहे सर यूरेनस यूरेनस यूरेनस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वन यूरेनस। और यूरेनस को कौन सा प्लैनेट बोलते हैं दोस्तों?
ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं कि नहीं बोलते, मेरे को एक बार सही करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं कि नहीं बोलते दोस्तों, बोलते हैं कि नहीं। अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं कि नहीं, और जुपिटर को लार्जेस्ट प्लेनेट बोलते हैं कि नहीं, प्लीज करेक्ट करिएगा। सारे बोल रहे हैं हाँ जी सर यही बोलते हैं, बहुत बढ़िया, चलिए तो अच्छी बात है। तो आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, ऑन विच डे वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व्ड, विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है, जून 1, जून 21, जून 8 और मई 26। यहां पे 8 जून कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ लोग बी ऑप्शन ओके 21 जून कह रहे हैं। यहां पे करेक्ट आंसर दोस्तों होगा 8 जून, क्या होगा दोस्तों 8 जून होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। 5 जून आपने बताया ही था कि सर 5 जून एनवायरमेंट होता है, लेकिन अब एक क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, फटाफट से लाइक बोलिए, ठोक लो भाई सारे के सारे यहाँ पे लाइव चैट में ठोक दो, गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, मतलब लाइव चैट भी हैंग हो जाना चाहिए ऐसा ठोक दो, तो ठीक है फटाफट से। ओए होए 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 क्या बात है नितिन बैड लायर, कोई ना रुकेगा भाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 25 दिसंबर, क्या होगा 25 दिसंबर होगा, किसान दिवस। देखिए ये जो गुड गवर्नेंस डे किसको याद रखते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ये याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे देखिए किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाते हैं 23 दिसंबर, क्या 23 दिसंबर, लेकिन किसको याद रखते हुए, किसान दिवस किसको याद रखते हुए मनाया जाता है, जल्दी से ठोकेंगे और बताएंगे क्या है करेक्ट। वेरी गुड, चौधरी चरण सिंह, क्या है दोस्तों चौधरी चरण सिंह, इनको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता था, याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह, इनको क्या कहा जाता था फार्मर्स फ्रेंड, क्या बोलते थे दोस्तों फार्मर्स फ्रेंड बोलते थे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने, बीसलपुर डैम इज ग्रेविटी डैम विच इज बिल्ड ऑन द रिवर, बीसलपुर बांध एक गुरुत्वी बांध है जो डैश नदी पर बनाया गया है, नर्मदा चिरथोनी बानस और सतलज, फटाफट से बताएंगे। यहां पर अभी करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर होता है, कोई बानस कह रहे हैं तो कोई नर्मदा कह रहे हैं, भाई नर्मदा में तो नहीं है, नर्मदा पे तो नहीं है। वेरी गुड, चलिए यहां पे टिक लगा लेते हैं करेक्ट आंसर को फटाफट से। बानस बानस बानस, बहुत बढ़िया, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा भैया बानस होगा, क्या होगा बानस इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा पे अगर हम देखें तो कौन सा दोस्तों, इंदिरा गांधी सागर, क्या दोस्तों इंदिरा गांधी सागर है, ये कहाँ पर है ये एमपी में है। सतलज नदी पर कौन सा है, भाकरा नांगल, अभी हमने देखा था दोस्तों भाकरा नांगल डैम है, कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पेंच नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम्स, आप एक एक नेशनल पार्क को करके चले जाइएगा जो इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश आसाम कर्नाटक तमिलनाडु, एमपी 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 सर एमपी, बिल्कुल भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है एमपी में भैया सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, 9 से भी ज्यादा, कौन कौन से भैया जैसे कि याद आता है तो बता देते हैं भैया, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है माधव नेशनल पार्क, ठीक है और कौन सा है संजय नेशनल पार्क, ठीक है और कौन सा है पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है और सतपुड़ा नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया, और कोई सा है वन विहार, बहुत बढ़िया, और कोई सा है दोस्तों फॉसिल नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया, और कोई सा दोस्तों जल्दी से बताएंगे फॉसिल नेशनल पार्क, और कोई भी याद आ रहा है तो सारे के सारे याद रखेंगे, एक भी नेशनल पार्क छूटने ना पाए, ठीक है। आसाम से बहुत फेमस पूछा जाता है एक तो काजीरंगा, काजीरंगा क्यों फेमस है दोस्तों, वन हॉर्न्ड राइनो, किसके लिए वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है, ठीक है यहीं पर मानस नेशनल पार्क भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, वेयर इज द ओ हो ये क्या है भाई, यहाँ पे तो वही क्वेश्चन पूछ लिया जो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन मैं देखना चाहता हूं भैया कि लाइव चैट हैंग हो जाना चाहिए, लाइव चैट हैंग हो जाना चाहिए,
ओए आसाम 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 ठोक दिया सभी ने भाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर भैया आसाम। क्या दोस्तों? आसाम इज द करेक्ट आंसर। यूपी में दोस्तों एक बड़ा अच्छा नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? दुधवा नेशनल पार्क। अगर मैं बिहार की बात करूं तो आपको वहां पे वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा। उड़ीसा में कौन सा मिलेगा दोस्तों? उड़ीसा में मिलेगा सिमलीपाल। कौन सा दोस्तों? सिमलीपाल नेशनल पार्क। और भीतरकनिका, कौन सा भैया? भीतरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा। और आपको अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपको मिलेगा भरतपुर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। सारे के सारे याद रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले सभी लोग को क्या करना होगा दोस्तों? शेयर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका है, लाइक ठोके भैया 300, भैया ट्रिपल सेंचुरी। आज हम लोग बनने वाले हैं 400 सेंचुरी, मतलब 4 सेंचुरी पूरी करेंगे। हाँ, एग्जाम में देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है। देखिए क्या होता है ना, आपको उनको पता है कि भैया ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आप अटक सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इवन बायोडायवर्सिटी, रामसर साइट्स, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक वाला पार्ट है दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया? इथियोपिया की राजधानी क्या है? एडिस अबाबा, कायरो, डमास्कस और लोम। यहां पे जल्दी से जवाब देंगे। हाँ जी, अभी करेक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। एडिस अबाबा कुछ लोग बोल रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कायरो, कुछ लोग कह रहे हैं सर डमास्कस होना चाहिए। तो भैया यहां तो करेक्ट तो एक ही होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो भर दिया यहाँ पे ए ऑप्शन। तो अडिस अबाबा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि इथियोपिया की कैपिटल है। कायरो किसकी कैपिटल है भैया? कैसे याद किया था हमने इसको? जल्दी से बताएंगे किसकी कैपिटल है कायरो? इजिप्ट की, क्योंकि हम भैया इजिप्ट में तो कुछ है नहीं, पिरामिड पिरामिड है, बेचारा रोता रहता है हमेशा, तो हम हमेशा उससे पूछते काय करो, काय करो, मतलब कायरो है ना, ये याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मोधेरा डांस फेस्टिवल उत्तराधार महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मोधेरा नृत्य महोत्सव, उत्तराधार महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां पे लोग कह रहे सर गुजरात होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे सर कुछ और ऑप्शन, मतलब मध्य प्रदेश। तो भैया यहां पे सोच समझ के आंसर करना है सभी को। मोधेरा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल यहां पे जो भी गुजरात के साथ जा रहे हैं ना दोस्तों, तो कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल मध्य प्रदेश नहीं है, यहां पे गुजरात है, ठीक है। इसको कब मनाया जाता है? थर्ड वीक ऑफ जनवरी। कब मनाया जाता है? थर्ड वीक, हर साल थर्ड वीक ऑफ जनवरी में इसको मनाया जाता है गुजरात में, जिसको कहा जाता है मोधेरा डांस फेस्टिवल, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेट्यू? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंतिया हिल, गारो हिल, मिकिर, शिलोंग पीक। फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ जी, अभी आना स्टार्ट हुआ है। कुछ कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर वन, मतलब खासी जयंतिया, ठीक है। देखिए वहां पे तो सारी हिल्स है, खासी भी है, जयंतिया भी है, गारो भी है, लेकिन करेक्ट कौन सा है? बिल्कुल यहां पर अभी आना स्टार्ट हो गया सर, शिलोंग पीक होना चाहिए। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? शिलोंग, गारो भी कह रहे हैं। यहां पे करेक्ट होगा दोस्तों शिलोंग। क्या होगा दोस्तों? शिलोंग पीक होगा। इसकी हाइट लगभग 6933 मीटर है। कितनी है? 6933 मीटर है। और यहां पे गारो है, गारो हिल है, जयंतिया हिल है, और कौन सा हिल है? ऐसे याद किया था हमने, खासी हिल है, ठीक है। कौन सी है? गारो, जयंतिया, खासी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज द महेंद्रगिरी पीक लोकेटेड? महेंद्रगिरी चोटी कहां स्थित है? सिक्किम, उड़ीसा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताएंगे, बहुत बढ़िया एबीडी। अगर करेक्ट, देखिए हमें यहां पे फोकस ही करेक्ट आंसर पे करना है, मतलब हमें क्या करना है कि सिर्फ ये देखना है कि जो क्वेश्चन आया वो हमारा करेक्ट था या नहीं। अगर नहीं था तो उसको याद करेंगे, ठीक है, गलती नहीं करेंगे। हाँ जी, यहां पे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर भैया उड़ीसा। उड़ीसा ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है दोस्तों, पढ़ा था अपन ने, याद है आपको? ईस्टर्न घाट का हमने पढ़ा था कि महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। कहां पर है? उड़ीसा में है। सिक्किम में भैया कौन सा मिल जाएगा? कंचनजंगा मिल जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने,
दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ, दिसपुर किसकी राजधानी, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड। हाँ जी, कंचनजंगा सिक्किम में है, बहुत बढ़िया। देख दोस्तों, फटाफट से एक बार क्या करेंगे, जल्दी से फटाफट से लाइक करेंगे और इसको 350 के ऊपर लेके चलते हैं। कुछ ही ओवर बाकी है लेकिन हम यहां पर 4 सेंचुरी मारेंगे आज, 4 सेंचुरी, ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो वो जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा दोस्तों, क्या गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक। जो भी नहीं जुड़े गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक पे आप जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ सारी की सारी प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। क्या सर्च करेंगे, गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक, लास्ट में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चले, यहाँ करेक्ट आंसर होगा असम, क्या दोस्तों, असम इज द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर है कि नहीं है दोस्तों, ईटानगर है। छत्तीसगढ़ की क्या है, न्यू रायपुर या रायपुर बोल दो दोस्तों, ठीक है। झारखंड की क्या है, रांची है। मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल है, क्या है, भोपाल है। राजस्थान की क्या है दोस्तों, जयपुर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, उड़ीसा की याद कर लीजिए दोस्तों, उड़ीसा की क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। वेस्ट बंगाल की कोलकाता, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हरियाणा, महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है, ऐसे सारे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने, विच प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम, किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है जो उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मरकरी एंड वीनस, मार्स एंड मरकरी, मार्स एंड वीनस, नेपच्यून एंड वीनस। यहाँ पे एलिमिनेशन लगा दो दोस्त, छल्ली छल्ली कर दो, ठोक दो ऐसे क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि बड़ा आसान है, इसको बड़े आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो, देखेंगे अभी कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सब बोल रहे सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके एक भी सैटेलाइट नहीं है, आपको पता है मार्स का तो है, कौन सा है, फोबोस और डेमोस, ठीक है। तो भैया दो ऑप्शन में मार्स है, दोनों का एलिमिनेट हम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पता है वीनस का नहीं है लेकिन नेपच्यून का है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि प्लूटो को हटा दिया गया है प्लेनेट से क्योंकि वो कैसा था, ड्वार्फ, मतलब छोटा, बोना। आगे बढ़े, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों की उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्था कीजिए, मतलब व्यवस्थित कीजिए, होना चाहिए व्यवस्था नहीं होना चाहिए इसको। मुन्नार, ऊटी, सिद्धुदुर्ग और कुदेरमुख, सिद्धुदुर्ग, कुदेरमुख, ऊटी, मुन्नार, कुदेरमुख, ऊटी, मुन्नार और सिद्धुदुर्ग, और कुदेरमुख, ऊटी, सिंधुदुर्ग, मुन्नार। जल्दी से, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेकिन करना तो है ही। चलिए फटाफट से आंसर देंगे दोस्तों, रुकना मना है, रुकना नहीं है, कब तक, जब तक ये कंप्लीट हो ना जाए, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे दोस्त। कुछ लोग कह रहे सर ऑप्शन नंबर बी, कुछ लोग कह रहे सी, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है लेकिन सॉल्यूशन तो पता करना है, साफ बिठा देंगे। हाँ जी, अभी सही आ रहा है, जिसने भी ऑप्शन नंबर टू कहना स्टार्ट किया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिंधुदुर्ग, कुदुरमुख, ऊटी और मुन्नार, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मच कैश प्राइज इज अवॉर्डेड इन ध्यानचंद अवार्ड, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, 10 लाख, 25 लाख, 5 लाख या 8 लाख, ध्यानचंद अवार्ड में। यहाँ पे 25 कह रहे हैं बैड लायर, सपना कह रहे हैं सर 10 लाख, 25 लाख, 10 लाख। अच्छा भाई, जो जितना आंसर देगा उसको उतना ही मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे करेक्ट लगाना है, जरूरी नहीं है कि ज्यादा वाला बोलो, यहाँ पे करेक्ट है 10 लाख। क्या है दोस्तों, 10 लाख, 25 लाख करने से हमें तो मिलने वाला नहीं है, तो याद रखेंगे 10 लाख ध्यानचंद में दिया जाता है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड में, द्रोणाचार्य अवार्ड में कितना मिलता है दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड 15 लाख, कितना मिलता है 15 लाख, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट,
निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? नैनीताल, मसूरी, कोल्लम या आलापुजा? फटाफट बताएंगे। यहां पे कौन सा करेक्ट टू ऑप्शन आ रहा है? मसूरी कह रहे हैं कई लोग यहां पे नैनीताल, लेकिन करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4 आलापुजा। क्या दोस्तों? आलापुजा। वेरी गुड। यहां पे शुभा रामचंद्रन, बहुत बढ़िया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी डेज मून टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? पृथ्वी कितना टाइम लेती है? यहाँ पे तो ऑप्शन भी बड़े गंदे गंदे से दिए, ये तो समझ में ही नहीं आएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच इंस्टीट्यूट गिव्स दिस नोबल अवार्ड फॉर केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान के लिए नोबल पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है? नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडिश अकेडमी या नॉर्वेगियन नोबल कमिटी? यहां पे सी के साथ जा रहे हैं, रॉयल स्वीडिश कह रहे हैं कई लोग स्वीडिश अकेडमी कह रहे हैं। तो भैया यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ हंगरी इज? हंगरी की राजधानी क्या है? सना, बुडापेस्ट, वीना और वॉरसॉ? हाँ जी बिल्कुल एबीडी, बहुत बढ़िया। यहां पे सब कह रहे सर बुडापेस्ट होना चाहिए, बुडापेस्ट। तो बिल्कुल भैया यहां पे करेक्ट आंसर होगा बुडापेस्ट। वीना किसकी है दोस्तों? ऑस्ट्रिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की है। वॉरसॉ किसकी है दोस्तों? फटाफट से बताएंगे वॉरसॉ किसकी है, जल्दी से। वॉरसॉ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताना है किसकी है। हाँ ऑस्ट्रिया की वीना है, बहुत बढ़िया। पोलैंड, वेरी गुड। यहां पे भैया सही जवाब है पोलैंड। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन तेलंगाना? निम्नलिखित में से कौन सा बांध तेलंगाना में स्थित है? नागार्जुन सागर, मेटू डैम, बनासुरा और कृष्णराज सागर डैम? अभी हमने बहुत सारे डैम कवर किए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तेलंगाना में है। बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर होगा भैया नागार्जुन सागर। जैसे कि आपको पता है पहले ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन विभाजन होने के बाद ये किस में चला गया? तेलंगाना में चला गया, नागार्जुन सागर। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कृष्णा रिवर पर है, ये भी याद रखेंगे। कृष्णा रिवर निकलती कहां से? महाबलेश्वर से। कहां से दोस्तों? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसकी सबसे बड़ी जो मैं कहूं ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वह है कोयना रिवर। कौन सी दोस्तों? कोयना रिवर। आगे बढ़े, हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इन इंडिया 20th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज? भारत में 20 अगस्त को हर वर्ष डैश मनाया जाता है, अर्थ डे, सद्भावना दिवस, नो टोबैको और वुमेन्स डे? बताइए कौन सा डे मनाया जाता है 20 अगस्त को? सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा, आसानी से मिल जाएगा आपको, मतलब आंसर दे पाओगे। यहां पे आ रहा है सर ऑप्शन नंबर ए, मतलब कई लोग तो अर्थ डे कैसे होगा दोस्त, अर्थ डे अपन ने कब पढ़ा था? 22 अप्रैल। हाँ अभी सही आ रहा भैया, सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। बिल्कुल यहां पे कौन सा करेक्ट होगा? सद्भावना दिवस करेक्ट होगा। नो टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 मई को। और अर्थ डे कब मनाते हैं? हमने अभी देखा था 22 अप्रैल को। वाटर डे 22 मार्च को, ठीक है याद रखेंगे। और 21 मार्च फॉरेस्ट डे, कौन सा? फॉरेस्ट्री डे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने। ओ भाई, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? कोई बात नहीं, यहाँ पे इस लैंग्वेज को हम अभी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, कोई नहीं, इसको हटाते हैं। इंग्लिश में जरूर देखेंगे, विक्टोरिया, किगाली, कायरो और विंध्योक, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी यहाँ पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज दूसरी है, पता ही नहीं कौन सी आ गई है। जल्दी से कहेंगे आंसर क्या होगा इसका। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो एक बार फटाफट से कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल यहां पे बिल्कुल आ गया। ठीक है, यहां पे करेक्ट आंसर होगा भैया कायरो। कायरो इज द करेक्ट आंसर। किगाली किसकी है दोस्तों? रवांडा की। किसकी है?
रवांडा की है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेयर इज द रणथंभौर नेशनल पार्क सिचुएटेड लोकेटेड। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर। भाई जिसने भी क्लास अपनी अटेंड की होगी इसको बिल्कुल भी वो गलत नहीं करेगा, जल्दी से बताएंगे। यहां पर आ रहा सर राजस्थान, राजस्थान, तो भैया जी हाँ यहाँ पे राजस्थान करेक्ट आंसर है, लेकिन सवाई माधोपुर जो कि जिला है उसमें आता है, ये अपन ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, सीकर में नहीं दोस्तों, सवाई माधोपुर। राजस्थान बोलने से आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग, जो भी राजस्थान बता रहा भाई सबके निगेटिव मार्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। भैया जल्दी से बनाएंगे, लौह पुरुष के उसमें याद में मनाते हैं, जल्दी से बताएंगे। 31 अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर सभी के आ गए। 32 अक्टूबर कैसे होता है भाई? 32 अक्टूबर होता कैसे है? बिल्कुल गलत। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा 31 अक्टूबर। लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, उनकी मूर्ति बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 182 मीटर है। ठीक है, कौन से गाँव में है? केवड़िया जिले में। कहाँ पे? केवड़िया जिले में। केवड़िया है कहाँ पर भैया? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को कहा जाता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो आयरन मैन मूवी वाला है, लेकिन असली के आयरन मैन हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वांसदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वांसदा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। फोड़ दो सारे के सारे, फोड़ दो इस क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, हाँ जी, टोनी स्टार का ही नाम, रियल नाम जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। ठीक है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, टोनी स्टार कहना था। ठीक है, गुजरात, गुजरात, गुजरात यहाँ पर आ रहा है, तो भैया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा गुजरात होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ब्लैकबक नेशनल पार्क यहीं पर है। कौन सा है? ब्लैकबक। मरीन नेशनल पार्क भी है, गिर नेशनल पार्क भी है और वांसदा नेशनल पार्क भी है। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डोंगरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? डोंगरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आसाम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या जम्मू एंड कश्मीर में? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से, कोई भी गलती नहीं करेगा यहाँ पे। गलती की गुंजाइश हमें छोड़नी ही नहीं है कि सामने वाला हमारा एक नंबर भी माइनस कर सके, मतलब नेगेटिव कर सके। यहाँ पे करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर टू। जम्मू एंड कश्मीर कुछ भी, हाँ देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड बाय यूएसए ऑन हिरोशिमा जापान टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म करने के लिए यूएस द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु का बम का क्या नाम था? लिटिल देवी, लिटिल बॉय, लिटिल फ्लाई, नन ऑफ दी। ओ भैया, आज की क्लास में हमने जब सुबह पढ़ाई की थी वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। जापान ने पर्ल हब पे बॉम्ब गिराया, यूएसए को गुस्सा आया और वो उसने जाके बॉम्ब गिराया, दो बॉम्ब, 6 अगस्त, 9 अगस्त। कौन कौन से जल्दी से बताएंगे? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। तो भैया 6 अगस्त को तो लिटिल बॉय को भेजा, छोटा बच्चा को। ठीक है, तो देखा जब छोटा बच्चा काम कर लिया है तो इसने बोला बड़े बच्चों को भेजेंगे, मतलब हम भेजेंगे एक आदमी को, फैट मैन को, मोटा आदमी। मजाक कर रहा हूं, लिटिल बॉय 6 अगस्त, फैट मैन 9 अगस्त। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाँ जी यहाँ पे, हरियाणा हरिकेन इज द निकनेम ऑफ विच क्रिकेटर? हरियाणा हरिकेन किस क्रिकेटर का उपनाम है? राजेंद्र गोयल, कपिल देव, जोगेंद्र शर्मा और अजय रत्रा। भाई अब तो खुश हो जाएंगे सारे कि भाई ये तो हमने पढ़ा था, और इसमें भी अगर गलती किया तो भाई गलत है।
हाँ जी, यहाँ पे कपिल देव, कपिल देव, कपिल देव, तो भैया बिल्कुल आंसर कपिल देव होगा, जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और 1983 का कप तो आपने देखा ही होगा, कप देखे या न देखे मूवी तो आपने देखी ली होगी, ठीक है, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई का समय है, बाद में जरूर देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, रियाल, पैसो, टका और यूरो। फटाफट से बताएंगे कि भैया अर्जेंटीना की करेंसी क्या है। अभी आ रहा है सर, कुछ बोल रहे हैं सर पैसो, कुछ बोल रहे हैं सर यूरो, भाई कंफ्यूजन है। हाँ जी, अभी करेक्ट आ रहा है सभी का, यूरो यूरो, लेकिन यूरो करेक्ट नहीं है यहाँ पे, कौन सा दोस्तों, हाँ यहाँ पे बिल्कुल पैसो करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों, पैसो इज द करेक्ट आंसर, अर्जेंटीना की पूछी है, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नाइल, अमेजोन, गैंग्स या बैकाल। यहाँ पे तो बैकाल लिख दिया, बैकाल लेक है सबसे डीपेस्ट लेक, फालतू में नदी नदी में नाम लिख दिया इन्होंने। यहाँ पे बोल रहे सर नाइल रिवर, नाइल रिवर, तो भैया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नाइल रिवर, दो नाइल रिवर है, एक तो ब्लू नाइल है, एक विक्टोरिया नाइल है, कौन सी है, सॉरी ब्लू नाइल है, और एक को कौन सी है दोस्तों, व्हाइट नाइल, विक्टोरिया नहीं है, व्हाइट नाइल है, निकलती विक्टोरिया, विक्टोरिया से, विक्टोरिया से है, और दूसरी तना लेक से, ठीक है, ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, दो नाइल है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेयर इज द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड, भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता। फटाफट आ गया सभी का भैया, कोलकाता, 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 दूसरे लोग भी कुछ कह रहे हैं, दिल्ली भी कह रहे हैं, पार्टी देनी पड़ेगी भाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कोलकाता। क्या होगा दोस्तों, कोलकाता भैया, वेस्ट बंगाल की राजधानी, याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज स्टिल डिपिक्टेड बाय उड़ीसी डांसर्स, उड़ीसी नृत्यकों द्वारा अभी भी किस मंदिर में चित्रण किया जाता है, जगन्नाथ टेम्पल में, खजुराहो टेम्पल में, कोणार्क टेम्पल में या अजंता टेम्पल में। यहाँ पे ममता दीदी, हाँ जी ममता दीदी वहां पर है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब बोले सर थ्री ऑप्शन, मतलब कोणार्क के साथ जा रहे हैं कुछ लोग, जगन्नाथ, हाँ, तो भैया यहाँ पे लोगों ने दो काम कर लिया, उन्होंने क्या किया, बोले खजुराहो टेम्पल तो यहाँ पर है नहीं, एमपी में है, एलिमिनेट मारो, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, इसको एलिमिनेट मारो, दो ऑप्शन बच रहे हैं, दोनों आंसर देते यहाँ पर लोग मिलके, ऐसा क्या, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, जगन्नाथ टेम्पल। भैया कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल को क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा, क्या नाम से जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, जगन्नाथ धाम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। आगे बढ़े, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, विच डैम इज कॉल्ड द अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है, सवालकोट, बारीघट, सलमा या ऊपर करनाली। सलमा बोल रहे हैं यहाँ पे, बैड लायर, वॉरियर, बाकी लोग कुछ और भी बोल रहे हैं, सलमा सलमा सलमा, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या, सलमा इज द करेक्ट आंसर, जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप डैम है उसका नाम है सलमा। अफगानिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन बहुत छोटी बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 106 से 112 किलोमीटर ओनली, ओनली दोस्तों ओनली, ठीक है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ेंगे, हाँ जी 106, चलिए 106 सबको याद है भैया, 106 बहुत बढ़िया, डूरंड लाइन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्ल्ड नो टोबैको डे अभी हमने देखा था, वॉज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, भैया विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है, 31 मई, 2 जून, 15 जून, 20 जून। यहाँ पे सारे लोगों ने छड़ी लगा दी सर, 31 मई, 31 मई, 31 मई, तो भैया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर वन, 31 मई इज द करेक्ट आंसर। टोबैको बहुत हानिकारक होता है, कैंसर होता है, ध्यान रखिएगा, मूवी स्टार्ट होने से पहले उस बिचारे की आप स्थिति देखते हो जो कि एड में दिखाई जाती है, बड़ी खराब होती है। आगे बढ़ते हैं, इफ वी मूव टूवर्ड्स द सन इन द सोलर सिस्टम, यदि हम सौर मंडल में सूर्य की ओर बढ़ते हैं,
टाइम इज टेकन बाय प्लेनेट टू कम कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस. टाइम इज टेकन बाय द प्लेनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस. नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट विल इंक्रीज. द साइज ऑफ द वेट एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्लेनेट विल इंक्रीज. यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे हैं सर, एबीडी कह रहे हैं, सीताराम कह रहे सर टू, वॉरियर कह रहे सर टू, गौरव कुमार, कृष्णा, प्रबल. बिल्कुल यहाँ पे भैया करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू. टाइम इज टेकन बाय प्लेनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन डिक्रीजेस. सही बात है. अभी ये सूरज है भैया, बड़ा गंदा सूरज है, लेकिन चलिए कोई नहीं. लेकिन जब आप पास में जाओगे, अभी यहाँ पे अर्थ मान लीजिए यहाँ पर है और ये मरकरी वीनस, अर्थ अब पास में आएगा तो भैया उसको कम तय करना पड़ेगा जगह, तो भैया जल्दी से वो कवर कर लेगा, तो जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा. क्यों? सूरज के पास गर्मी ज्यादा है तो वो जो इसके लेयर्स निकलेंगे, क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर रेडियो मतलब रेडिएशन निकलेंगी वो ज्यादा गर्म होंगी और उसको गर्म कर देंगी. ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ. अगला प्रश्न है, विच रिवर इज कॉल्ड रिवर बिटवीन द टू माउंटेन्स. किस नदी को दो पर्वतों के बीच की नदी कहा जाता है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी? हाँ जी तनु, इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे. टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर लेना है. क्या गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक, और मैं आपको लिंक भी आखिरी में प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं. आगे बढ़े. हाँ जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल सही, नर्मदा रिवर है. किस दो पहाड़ों के बीच में दोस्तों? विंध्या रेंज के बीच में है और सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा और विंध्या के बीच में है, याद रखेंगे. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा और छत्तीसगढ़. फटाफट से आंसर करेंगे. केरला, केरला, केरला. परवेश, सत्यजीत, शिवा, अजय, राहुल, बहुत बढ़िया. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया केरला. और केरला में ही आपको पता भैया एक और नेशनल पार्क है, कौन सा दोस्तों? पेरियार नेशनल पार्क. आपको पता है केरला में एक मंदिर है बहुत फेमस है, और अभी न्यूज में भी था कुछ समय पहले, सबरीमाला. कौन सा दोस्तों? सबरीमाला मंदिर. कौन से गॉड का मंदिर है? अयप्पा, अयप्पा. ठीक है, याद रखेंगे. चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ. अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू सन. बहुत आसान सा क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है? मार्स, मरकरी, वीनस और अर्थ. ठोक दो दोस्तों. हाँ बिल्कुल, ठोक दो मतलब सही आंसर दे दो, गलत नहीं देना है. हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है सर, मरकरी, मरकरी, मरकरी. कुछ लोग बोल रहे हैं वीनस, लेकिन भैया मरकरी है. तो आप देखिए आठ प्लेनेट को देख लेते हैं फटाफट से. ये है सन, फिर होगा मरकरी, वीनस, सॉरी अर्थ, मार्स. देखिए ये जितने प्लेनेट हो गए ये तो इनर प्लेनेट हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स. इसके बाद जो आएंगे वो आउटर होंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. प्लूटो को हटा दिया गया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच आर द रिवर्स इंक्लूडेड इन द वेस्टर्न रिवर अंडर द IWT इंडस वाटर ट्रीटी. सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल की गई हैं? इंडस रावी सतलज, इंडस ब्यास सतलज, इंडस चेनाब झेलम और इंडस चेनाब सतलज. हाँ जल्दी से बताएंगे, इंडस चेनाब सतलज. कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर IBS इंडस ब्यास सतलज. तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है इंडस चेनाब सतलज, सॉरी झेलम. क्या है? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको इंडस चेनाब और झेलम, ICJ. ठीक है, तो ये मत समझ लेना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सर बता रहे हैं. ठीक है, क्या है? इंडस चेनाब और झेलम. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े. आगे बढ़ने से पहले फटाफट से एक बार क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट. भवानी सागर बांध या निर्मित भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना. फटाफट से बताएंगे दोस्तों.
जी यहाँ पे फोर ऑप्शन तेलंगाना के साथ कई लोग जा रहे हैं, तेलंगाना, कुछ लोग तमिलनाडु। रितिका कह रहे सर तमिलनाडु होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? तमिलनाडु। बहुत बढ़िया रितिका, इसी तरीके से अपन को पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और जैसा कि पता है सारे लाइंड अप है एग्जाम, मैंने आपको कल भी कहा था जब हम टेलीग्राम पे लाइव थे, तो वहां पर देखिए सीजीएल हो वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 31 अप्रैल तक चलेगा, उसके बाद सीएचएसएल मई में टेंटेटिव है, होना है, फिर उसके बाद जून में एमटीएस का है, ठीक है, कहीं ना कहीं जून या जुलाई के आसपास एनटीपीसी सीबीटी 2 भी होगा, फिर उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी भी होना है, ठीक है। तो सारे लाइंड अप है, तो यहाँ पे स्टैटिक जीके को बिल्कुल मत छोड़ना, और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये आप अभी से कंप्लीट करते रहो दोस्तों, इनको कंप्लीट करते रहो, क्लासेस आते रहो, और उसमें क्या करो रिवीजन, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको कवर करेंगे, और उसके साथ साथ एमसीक्यू लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, नोबल प्राइज इन मेडिसिन प्रेजेंटेड बाय विच इंस्टीट्यूट, चिकित्सा में नोबल पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ये तो शायद हमने कर लिया था क्या, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, नोबल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का, स्वीडिश अकेडमी या नॉर्वेगियन नोबल कमेटी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अपन हैट्रिक मारेंगे। देखिए जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सिलेक्शन होना जरूरी है, और सिलेक्शन होगा भी, क्यों ना हो, जब आप मेहनत इतनी कर रहे हो तो सिलेक्शन तो होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हेन इज किसान दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22nd नवंबर, 23rd अक्टूबर, 23rd दिसंबर और 22nd दिसंबर। फटाफट से बताएंगे, अभी हमने देखा था 23rd दिसंबर, बिल्कुल हमें याद है कि यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए मनाया जाता है 23rd दिसंबर को किसान दिवस। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज रिस्पेक्टिवली, विंध्य और सतपुड़ा शेडी में कौन सी चोटियां क्रमशः सबसे ऊंची है? कलामूर पीक, कंचनजंगा पीक, धूपगढ़ पीक, बोथ 1 और 3। ये बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। हाँ हिमांशु कह रहे सर 4, कुछ लोग कह रहे सर 1 और 3, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 और 3। क्यों? क्योंकि विंध्या रेंज का आपको पता है सद्भावना, और सतपुड़ा का क्या है धूपगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, निम्नलिखित में से किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बीकानेर में? यहाँ पे सब कह रहे सर फटाफट से बताएंगे, यहाँ पे जैसलमेर, कुछ लोग कह रहे सर जैसलमेर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया जयपुर, जयपुर, ठीक है। आपको पता है कैमल फेयर भी लगता है, जिसको हम कहते हैं पुष्कर फेयर, क्या बोलते हैं? पुष्कर फेयर, कैमल फेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। एमपी में कह रहे हैं, एमपी एमपी एमपी, तो भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो आपको पता है कान्हा, संजय, माधव, ये सारे के सारे भैया कृष्ण भगवान के नाम है, और ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द नाहरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन, नाहरगढ़ किला देश में स्थित है, जयपुर, जोधपुर, कांगड़ा और दिल्ली। ये मैंने आपको शायद कुंभलगढ़ नहीं, मेहरगढ़ पढ़ाते वक्त ये बताया था कि भैया जयपुर में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आप इसमें टिक आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। हाँ जी यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है क्या है? जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय, निम्नलिखित शहरों में से किसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? जयपुर, कोलकाता, जोधपुर और नन ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा भैया कोलकाता को, सिटी ऑफ जॉय, भैया सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है कोलकाता, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, युआन, युआन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, युआन किस कंट्री का मुद्रा है? जापान, चाइना, इंडोनेशिया और नेपाल। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, यहाँ की करेंसी दो नाम से जानी जाती है, एक तो रेनमिनबी और दूसरी युआन, इसको क्या बोलते हैं? चाइना। करेक्ट आंसर चाइना होगा, ठीक है। आगे बढ़े,
द अप्रोक्सीमेट एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे पृथ्वी का अनुमानित औसत घनत्व बताना है कितना होता है, 3.31, 7.71, 5.51 या 7.91। ओए होए क्या बात है भैया, यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो गए। तो भैया करेक्ट आंसर है 5.51, मतलब सब डेंसिटी भी रट रखी है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड। पोलैंड की करेंसी हमें बतानी है, क्रोना, ये वो कोरोना नहीं है दोस्तों, ये क्रोना है, पाउंड, जलोती या पैसो। यहाँ पे सब कह रहे सर सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन, कुछ कह रहे सर ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन भैया नहीं, यहाँ पे जलोती, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, जलोती इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू डैश स्टेट। इंडियन मेरिडियन स्टैंडर्ड जो है वो कितने रास्ते होते हुए जाता है, 3, 5, 6, 4। यहाँ पे बिल्कुल 5, 5, 5, एबीडी नितिन भैया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया 5। क्या होगा दोस्तों, 5 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड द बृद्धेश्वर टेम्पल ऑफ तंजोर। इनमें से किस राजवंश ने तंजोर के बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, चेर, पांड्या, चोल और राष्ट्रकुता। चोल चोल कह रहे हैं भाई, बिल्कुल भाई। एक बार फटाफट से सभी लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे, क्योंकि अपन को क्या बनानी थी, 4 सेंचुरी, अपन ने 4 सेंचुरी बना ही नहीं पाए। ठीक है यहाँ पे बिल्कुल चोल भैया, चोल चोल, तो भैया चोल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज नॉट बिल्ड बाय द रूलर ऑफ द इंपीरियल चोल डायनेस्टी। इनमें से कौन सा मंदिर शाही चोल वंश के शासकों द्वारा नहीं बनाया गया था, शिवा टेम्पल एट गंगई चोल कोंडा चोलापुरम, कैलाश टेम्पल एट एलोरा, एरावथेश्वर टेम्पल एट दारासुरम और कंपारेश्वरा टेम्पल एट त्रिभुवनम। हाँ जी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैलाश टेम्पल एट एरोला। ठीक है आगे बढ़ेंगे, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसने खोजा था, कॉपरनिकस, आर्यभट्ट, केपलर और न्यूटन। बड़ा सिंपल सा सवाल, जल्दी से करेंगे आंसर। हाँ जी चलिए फटाफट से, ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी को करेक्ट आंसर देना है, लास्ट क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। हाँ जी यहाँ पे कॉपरनिकस, कॉपरनिकस, तो भैया करेक्ट आंसर होगा कॉपरनिकस। और आज ओ हो समय होता है समाप्त, जहां पर आज हमने जम के किए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन फॉर आरआरबी, एसएससी और मैं कहूँ डिफेंस में भी जो पूछे जाते हैं वो भी कवर्ड है। ठीक है तो ऐसे ही हम प्रिपरेशन करेंगे, सभी को जीतना है, युद्ध लड़ना है। और यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि आप कोड यूज कर सकते हो, मॉक टेस्ट जब आप ले रहे होगे तो आप कोड यूज कर सकते हो, जो कि मेरा कोड है GAMPASS। क्या है दोस्तों, GAMPASS ये कोड है, इसको यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको PDF अगर चाहिए है, मतलब अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। क्या है दोस्तों, गौरव मौर्या सर टेस्ट बुक, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो मैं अभी आपको लिंक दे देता हूँ लाइव चैट पे। कहां पे दे देता हूं, लाइव चैट पे, जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। हाँ जी ये गई आपके पास लिंक, ये लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको लिंक दे दी है, और आपके जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। होमवर्क जो दिया है उसको जरूर करिएगा, जिससे हम यहाँ पे चेक कर सके और जो भी आपके मतलब दोस्त है वो भी इसको देखकर सीख सकेंगे। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में, पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ख्याल रखते रहिएगा, और मिलेंगे अगले सेशन में नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। कल जुड़ना मत भूलिएगा, जहां पर होने वाली है महायुद्ध, मैं आपसे जुड़ूंगा 11 बजे से 2 बजे तक। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।